Bye. Keep the phone with you till about 8. Till 7:45 before you go. Find out somewhere it can come back to you. In case I don't want to take a risk. I don't want to be distracted. हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है इस तीसरे इस त्रिदिवसीय सत्र के तीसरे दिन के सत्र में। आज कुछ व्यावहारिक ब्राह्मण प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, साथ साथ कुछ थ्योरी भी होगा। फर्स्ट रूल भी वायलेट हो गया, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स और पुट इट ऑन साइलेंट मोड। सोचिए, ऑल्टर जा रहे हैं और पॉकेट में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, व्हाट से यूज। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर ब्राह्मणा इज डिसिप्लिन। डिसिपल मीन्स डिसिप्लिन, बट ब्राह्मणा मीन्स मोर डिसिप्लिन। तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम एप्लीकेबल नहीं है एटी वर्शिप में। अब ब्राह्मण प्री ब्राह्मण ट्रेनिंग के लिए आए हैं, भले ही प्रशिक्षक लेट आए ना आए, आपको टाइम पे आना है। मुझे कम से कम कल से 8 बार बताया गया है, 6:30, 7:30, 6:30, जल्दी आए। आई एम अ पुजारी, सो आई वाज हियर बाय 6:30। सो द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द डिसिप्लिन पार्ट। कुछ भी हम आगे पढ़ें, the mood behind being a brahmana is first that you should be disciplined, there should be punctuality. आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप में से कितने भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला नियमित रूप से जप करते हैं प्रति दिवस? ओके, आप में से कितने भक्त प्रचार करते हैं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से मंदिर के कोई प्रैक्टिकल सेवा आप में से कितने लोग कर रहे हैं? मंदिर या आपके स्थानीय यात्रा, नामहट्टा, कहीं भी, हाँ, तब हाथ उठते हैं ज्यादा। तो मेरा प्रश्न ये है कि तो फिर ब्राह्मण दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा में क्या अंतर है? ठीक है, और सॉरी, अच्छा, हरिनाम से नहीं आएगी, हरिनाम से नहीं आएगी तो यस नदी प्रेम प्रभु, उसमें ब्राह्मण दीक्षा कहाँ बोली? पूजा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा काम होता है? अभी आप पहले भी पूजा कर रहे हो ना, घर पे भोग लगा रहे हो भगवान को, आरती कर रहे हो, यस ना, यस मंत्री, डीटीस की सर्विस कर सकते हैं। वैसे कई भक्त आप सबने बताया, हाँ, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ नहीं है, यज्ञ। तो वैसे आप सबने पॉइंट ए, यू वांट टू से समथिंग? ओके, दीक्षा गेट्स कंप्लीटेड एज अ प्रोसेस। मुख्यतः ये है कि सेवाएं तो आप सब वैसे भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं घर पे, आरती भी कर रहे हैं, लेकिन परम भगवान के दिव्य अर्च विग्रह की सेवा करना है, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो कुछ हम बताएंगे गायत्री मंत्र के बारे में, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की परिधि से अधिक समझने की परिधि है, तो इसलिए कम ही बोलेंगे, अधिकतर प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, क्योंकि 2 दिन से आपको बहुत सारे डिस्कशन हो चुके होंगे मूड के बारे में, थियरी एक्सेट्रा। आप में से लगभग 80% लोगों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से,
तो डांट कभी कभी खाना पड़ता है तो सहन कर लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया, श्रील प्रभुपाद एक प्रातकालीन संवाद में बता रहे हैं जब टहलते समय हैदराबाद में April 20, 1974 को, द्वितीय दीक्षा मतलब ये पहचान होना कि अब ये पूर्णतया सक्षम वैष्णव है, अब ये पूर्णतया सक्षम वैष्णव है। तो दीक्षा मतलब एक ऐसी विधि है जो जारी है, ऐसा नहीं कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, जारी है, स्थाई एक लहर की तरह है, प्रवाह है, और तब पूर्ण होती है जब हम पूर्णतया शरणागत होते हैं। दिव्य ज्ञान यथोदध्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्, पूर्णतया दिव्य ज्ञान प्राप्त है और सभी पापों का क्षय होता है। दीक्षा की यह विधि है या विश्लेषण है, परिभाषा है। तो गायत्री मंत्र जब हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ा मेरा कंप्यूटर और माधव प्रभु का कंप्यूटर एक दूसरे से बात नहीं करते, बहुत सारे फॉन्ट बदल गए हैं, माफ करें। तो हरिनाम को शुद्धता के साथ जप करने में हमें मदद करता है गायत्री, गायत्री मंत्र करने से हम हरिनाम में शुद्धता बढ़ती है। और विशेषतया इन गायत्री मंत्रों में बीज मंत्र होता है गायत्री मंत्र के, वो एक प्रकार से सोनिक थंडर बोल्ट्स है, मतलब एक शब्द रूपी वज्र है, शब्द रूपी वज्र है जो कि हमारे अंदर के भौतिक कलमश को भगा देती है और हमें हरे कृष्ण महामंत्र को अपराध रहित जप करने में मदद करती है। तो गायत्री जप करने का सबसे एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अपराध रहित हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में अत्यंत सहायक है। ऐसे नहीं कि बंदूक रख देगा गायत्री हमारे सर पे और हम शुद्ध नाम जप करेंगे, इसका मतलब यह है कि सहायक होती है, जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, जो बोलते हैं एक रास प्रक्रिया में उसको क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक या पूरक, इट कंप्लीट्स द केमिकल प्रोसेस, रास प्रक्रिया जो होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के इस विधि में शुद्धता लाने के लिए गायत्री मंत्र अत्यंत सहायक है, और विशेषतया कृष्ण पर ध्यान लगाने के लिए यह सहायक होता है अधिकतर, क्योंकि जितना अधिक हम बीज मंत्र का जप करेंगे या गायत्री मंत्र का जप करेंगे, उन सब के अर्च विग्रह के या उनके उनका अर्च मूर्ति के बारे में थोड़ा ध्यान लगाएंगे, या जब डीटी वर्शिप करने भी जाएंगे तो उस व्यक्ति का हम प्रत्यक्ष उपासना करेंगे जिसको हम मात्र नाम रूप से जानते थे, अब उनका व्यक्तिगत रूप से हम सेवा कर पाएंगे। तो गायत्री का, क्योंकि गायत्री के बीज मंत्रों से परम भगवान की उपासना की जाती है, तो इसलिए इनका होना बहुत ही आवश्यक है हमारे भक्ति के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के स्तर अथवा दर को उसको उठाता है। ठीक है, अब भगवान के पवित्र नाम का जप करके व्यक्ति भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंच सकता है। कोई पूछ सकता है फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, यस और नो, प्रैक्टिकल सवाल है कि नहीं है। शुद्ध नाम से सब कुछ भगवत नाम तक कोई व्यक्ति जा सकता है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय के 23 और 24वें श्लोक में, उसमें से ये उद्धृत है अनुवाद, असली अनुवाद नहीं है, ये ऋषि कुमार संहिता से है। यद्यपि पवित्र नाम का जप अथवा कीर्तन व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रेम के स्तर तक प्रगति करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है, इट इज परफेक्टली केपेबल। जो परम भगवान का दिव्य नाम और कीर्तन जो है व्यक्ति को कृष्ण प्रेम के स्तर तक उठा सकता है, उसके लिए पर्याप्त योग्यताएं उस पर प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया क्योंकि भौतिक शरीर हमने धारण किया है, उसके साथ साथ बहुत सारे कलमश आते हैं, तो क्योंकि ये इस शरीर धारण करने के कारण बस संदूषित होने के लिए ससेप्टिबल, अंग्रेज में बोलते हैं अति संवेदनशील हो जाता है, मतलब और कोई चारा नहीं है, बाध्य हो जाता है,
जैसे कि कोई संक्रमण हो जाता है, उसको भौतिकता का संक्रमण हो जाता है और कोई चारा नहीं है क्योंकि ये शरीर ही ऐसा है। तो इसलिए अर्च विधि पर विशेष जोर दिया जाता है। अर्च विधि में संलग्न होने से अधिक हम शुद्धता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जिससे हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर की जो मलिनताएं हैं उनको एक हद तक हम पार करते हुए परम भगवान के दिव्य नामों का शुद्धता के साथ उच्चारण करने की क्षमता और प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। We become more capable of connecting to the process better. अब गायत्री मंत्र के जप के साथ, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हमने जैसे पहले बताया गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हरिनाम के लिए वो सहायक है, उसकी शुद्धता के लिए। साथ साथ जब अर्च विधि में भी हम संलग्न होते हैं तो हम इस मूल समझ पर पहुंच जाते हैं कि पुनः कृष्ण भावनामृत की समझ हमें प्राप्त हो सकती है। टू रिवाइव अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पुनर्जागृत करने में हम सक्षम हो जाते हैं कृष्ण भावनामृत को। कैसे? अर्च विधि और गायत्री मंत्र दोनों के साथ साथ, ये दोनों साथ चाहिए। दोनों चलेंगे तो उसका शक्ति बहुत अधिक है। कहने का उद्देश्य है कि आप सब गायत्री दीक्षा प्राप्त करने के बाद मात्र ध्यायाम स्तुमम स्तस्य शस्त्री संध्यम बोल के छोड़ना नहीं है। छह बारह तीन बार गायत्री करेंगे लेकिन अर्च विग्रह की सेवा नहीं करेंगे। प्रचार करेंगे, प्रैक्टिकल सेवा करेंगे और गायत्री भी तीन बार करेंगे लेकिन अर्च विग्रह की सेवा नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट है। फिर आपको फिर गायत्री लेने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले भी करते थे आप हरिनाम दीक्षा के बाद भी, इसलिए मैंने आप प्रश्न पूछा था पहले। अब हरिनाम दीक्षा लेने के बाद भी घर पे तो भोग लगाते ही थे या कुछ नहीं तो गौर नित्याय जगन्नाथ बलि सुभद्रा या राधा कृष्ण की डीडी या लड्डू गोपाल बहुत फेमस है तो कोई ना कोई तो होता था, उनको भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे। तो ये प्रैक्टिकल था। प्रचार भी सब अपने अपने स्तर पे करते थे, कुछ नहीं तो बगल वाले को गीता तो बेचते थे साल में एक बार। कुछ ना कुछ तो हम करते हैं, प्रचार भी करते हैं, घर पे भोग भी लगता है, कुछ तो आरती भी घुमाते हैं। भले आप सुख संपत्ति ग्रह में नहीं बोलते लेकिन कुछ तो बोलते हैं, कुछ आरती तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं हम विधि। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अर्च विग्रह की पूजा और गायत्री दोनों आवश्यक है, तभी हम अग्रसर हो सकते हैं भक्ति में। और जैसे कि गौड़ीय मठ के जो प्राथमिक चिन्ह था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इसकी स्थापना करी थी, उसमें एक रेलवे ट्रैक के दो पटरियां हैं, वो एक सूचित करता है पंचरात्र की विधि को और दूसरा भागवत विधि को। तो हरिनाम अनिवार्य है लेकिन साथ साथ पंचरात्र की विधि भी आवश्यक है। श्री भक्तिनोद ठाकुर प्रभुपाद भी यही बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अथवा भागवत विधि के सफल होने के लिए भी पंचरात्र की विधि का अनुशीलन अनिवार्य है। एक प्रकार से भागवत विधि में जो हमारा विश्वास है उसको पंचरात्र की विधि का सटीक अनुशीलन संपुष्ट करता है, इट कंफर्म्स। अब कौन से व्यक्ति का नाम ले रहे हैं आप? अभी किसी को नींद आ रही है, एसी है किसी को, जो प्लीज खड़े हो जाए, ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपके लाइफ चेंजिंग कोर्स है। प्लीज क्लास में मत सोइए, इरिटेटिंग होता है, प्लीज डोंट स्लीप। श्रील प्रभुपाद बोलते थे 8 घंटा सो लेकिन क्लास में मत सो। इसका मतलब नहीं कि 8 घंटा सोए, बात ये है कि शुड नॉट स्लीप। नींद आती है तो तुरंत खड़े, ब्राह्मण के ये सब लक्षण है, ये सब ध्यान रखना है आगे से। अभी तक बहुत सारा नौटंकी हो गया, टाइम पास हो गया, जैसे कि बॉम्बे के ट्रेन में या दिल्ली मेट्रो में एक बार भीड़ के साथ घुस गए तो फिर उसी एंगल से निकल भी सकते हैं। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना कि ब्राह्मण मतलब कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो वी हैड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है ना, कलिकाल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। कृतो यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मगे द्वापरे परिचर्याम कलोतद हरि कीर्तनात्। तो फिर इतना ज्यादा जोर
हम अर्चे विग्रह की पूजा पर क्यों देते हैं? कोई बताएगा? यस नादिया प्रेम प्रभु, भगवान का व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है। इस आदित्य कृष्ण प्रभु, जैसे अभी आपने बताया कि जिसका नाम ले रहे हैं तो नामी की भी सेवा करेंगे। करेक्ट, पर्सनल कंसेप्शन। यस अमल चरण, पर्सनल रिलेशनशिप और प्रेम जागृत होता है। ओके, यस सनातन ब्रो, एम्स क्लियर होना चाहिए। हरिनाम का हमें पता है कि हमारा स्टेटस कैसा है। डीटी वर्शिप करने से हमारी सेंसेस ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द सेंसेस हां प्योर। ओके, वेरी टेक्निकल आंसर है। यस और यस ब्रो, ओके यस यस माताजी, समबडी फ्रॉम माताजी से, यस माताजी Sambandha gets established more. Huh? So Pramada Singh Sambandha. Indri Tripti ko control karta hai. Okay. Yes, Dibakesav. Dehatma Bhuti se paray hota hai. Okay, let's see. Ek baat bata dein. Maan lijiye ki koi vigrah hi nahi hai. Kali ko keval namathar. Namathar, ha? Bol diya. Koi vigrah विग्रह ही नहीं है। मान लीजिए कि ब्रह्मचारी आश्रम में सत्यव्रत राम और ऋषि कुमार दोनों रूममेट्स हैं, रोज सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4:30 को ब्रह्म मुहूर्त, 4:10 से 4:58 है, मान लीजिए 3:40 को उठते हैं, 4:10 तक रेडी हो जाते हैं, 4:10 से 6:10 तक 16 माला करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने 16 माला बोला है कम से कम। ठीक है, थोड़ा पुश करके एक माला और कर ली, एटलीस्ट 16 राउंड, 17 माला करी। फिर ठीक है, भागवत विधि, थोड़ा भागवतम क्लास भी अटेंड कर लिया, देन व्हाट? प्रसाद पा लिया, प्रचार कर लिया, रात को सो गए, अगले दिन सुबह 4:10, विग्रह नहीं है। एक दिन मुझे लगा कि थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, आज 5:30 को उठते हैं, क्रमशः 5:30 6 होगा, 6:30 होगा, 6:30 7 होगा, और फिर हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि अर्च विग्रह के होने से हमारे अंदर एक अनुशीलन स्वतः प्रकट होता है। डीटीज हैं इसलिए मंगल आरती होती है। किसकी मंगल आरती करोगे ब्रह्म मुहूर्त में? जैसे एक संस्था है जिसमें नाम लिखते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, नाम लिखते हैं, जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र लिखते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल है, देखना पड़ेगा। हालांकि हमारे अंदर निर्विशेष शून्यवाद सब कूट कूट के भरा है अधिकतर वक्त में, इसलिए प्रभुपाद जी को आना पड़ा ना, निर्विशेष शून्यवादी। तो इस समझने वाली बात है कि जब अर्च विग्रह ही नहीं रहेंगे तो ऐसा समय आएगा कि क्रमशः आपका प्रातःकालीन कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप अनुशासित रूप से अपने भक्ति की विधियों का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्रमशः आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी छूट जाएगा, तो जी है ना, आप भले ही भगवान के व्यक्तिमत स्वरूप को नहीं मानते क्योंकि विग्रह नहीं है, लेकिन भगवान तो व्यक्ति है ना, तो भगवान की व्यक्तिमत स्वरूप का धारणा के बिना आप हरे कृष्ण महामंत्र कितने समय जप कर पाएंगे? कि हमें वो अनुशासन नहीं है, अनुशीलन नहीं है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कलयुग के लिए कि दोनों चाहिए। तो ये अर्चनम जो करते हैं परम भगवान के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम के अधिष्ठाता या उसके आचार्य है पृथु महाराज, उनकी पत्नी का नाम भी अर्ची है। आपको पता है कि
तमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया था कि मैनेजमेंट नवविधा भक्ति में कौन से अंग में आता है, कोई बता सकता है? अभी तो बोलोगे अर्चना, तो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट का उद्देश्य यही है कि भगवान के अर्चक की सेवा अच्छे से चलती रहे। प्रभुपाद ने कहा है कि व्हाटएवर हैपेंस डीटी वर्शिप मस्ट गो ऑन। इसलिए कोई संजोग नहीं है कि प्रतु महाराज ही पालना शक्ति के भी शक्तिवेश अवतार हैं, वो ही अर्चनम विधि के आचार्य भी हैं। तो अर्चनम के लिए हमारा भाव क्या होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति ऑल्टर में प्रवेश करने के पहले उसको भूत शुद्धि करना पड़ता है, शरीर की शुद्धि। भूत शुद्धि का मंत्र यह है, आप सब जानते हैं, जो जानते हैं मेरे साथ पढ़िए बोर्ड से, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोध्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताभैर् गोपी भर्तृत्पद कमलयोर् दास दासानुदासः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये मंत्र बताया था, ना मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य ना शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, किंतु मैं कौन हूं? मैं उस परम भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपियों के भर्ता हैं, उनके पालन करता है, उनके चरण कमलों में जो अनपूर्ण अमृत आप देर, जो कि उनका चरण कमल कैसा है, एक अमृत का सागर जैसा है, और संपूर्ण दिव्य आनंद अथवा उन्माद के वही स्रोत हैं, और उनके चरण कमलों में मैं क्या हूं? दास दास दासानुदास। ये भाव से, इस भाव के साथ ऑल्टर के अंदर प्रवेश करना है। तो कभी कभी आरती में प्लेट घुमाना बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा परफॉर्मेंस है, दो तीन कई कई लोग मैंने देखा है फोटो भी खिंचवाते हैं। मैं ऑल्टर में जाता हूं तो मेरा फोटो खींचो करके, मुझे एक दो भक्तों ने बोला था एक बार, फिर मैंने बताया कि बाहर जब लोगों को बोलते हैं कि डीडी के साथ फोटो नहीं खींचना, तो फिर अंदर कैसे खींच सकते हैं? गुरु की बात अलग है, गुरु तो वैसे अंदर रहते हैं। हाँ सॉरी, बट यू शुड नॉट आस्क फॉर द फोटो, दैट इज द पॉइंट। अब वहां तो क्या, भगवान के ऑल्टर पे कॉकरोच भी जा रहा है, उसका भी फोटो खींच सकता है। तो बात है कि हमारा भाव क्या होना चाहिए। हमारा भाव है दास दासानुदास। अब आपसे प्रश्न, भगवान की उपासना कौन करता है? आप करते, कौन करता है? अभी तो बोलेंगे सब, जाके देखो बताएंगे। एक दिन आरती की सेवा रुक गई तो देखो, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायामाम नियोजया, ये मंत्र बोलते हैं। कोई भी सेवा शुरू करने के पहले ऑल्टर में भगवान को भोग लगाने के पहले, आरती के पहले, पुष्प चढ़ाने के पहले, सुबह परमा भगवान का स्नान कराते हैं, आचमन अर्घ्य कराते हैं, या बाद में स्नान कराते हैं उनको ड्रेसिंग के पहले, इस सब में हर परिस्थिति में श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोजया, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। मतलब हमें लगना ही नहीं चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं परम भगवान की, हमारी औकात ही नहीं है परम भगवान की सेवा करने की, गुरु के माध्यम से हम करते हैं। अब वीडियो, मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल चीज अभी एक सिखाऊंगा। ऑल्टर में प्रवेश करने के पहले ये मंत्र तो बोलेंगे, लेकिन उसके भी पहले स्नान करने के बाद आएंगे, पैर धोएंगे, और ऑल्टर के पास पैर धोना आवश्यक है। पैर धोने के बाद, क्योंकि आपके रूम से आप ऑल्टर तक आएंगे बहुत कुछ स्टेप कर चुके होंगे उसके ऊपर, तो इसलिए पैर धोना आवश्यक है। और उसके बाद आचमन करना पड़ता है, नॉर्मल आचमन उनके ये नहीं है, अच्छे से पूरा आचमन करना चाहिए। 24 मंत्र है परम भगवान के, ये एक एक मंत्र बोलते हुए शरीर में एक एक मुद्राएं हम स्पर्श करते हैं, एक एक भाग में, और परम भगवान का एक नाम का उच्चारण करते हैं जो उस भाग को शुद्ध करते हैं और सुरक्षा भी देते हैं आध्यात्मिक और भौतिक।
दीपक यू कैन प्ले द माधव कैन प्ले द वीडियो आचमन का समय लगेगा 2 मिनट्स क्या प्रसाद पाने गए हो क्या तो आचमन के लिए पंचपात्र उद्धरणी है आपके पास है ये जो है इसमें कोई धप्पा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का स्टेन नहीं होना चाहिए वाटरमार्क नहीं होनी चाहिए बिल्कुल अंदर बाहर दोनों इट शुड बी शाइनिंग वेल उसके लिए बेस्ट तरीका है इमली के पानी में इमली लगा रहता है उसमें साफ कर सकते हैं दैट विल कीप इट क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड अन्यथा उसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट सेडिमेंट्स सेटल हो जाता है विष है नींबू से जा सकता है लेकिन हम साधारणतः आचमन पात्र को साफ करते हैं ऑल्टर के पास इमली के इस पानी से क्योंकि वो टार्ट्रिक एसिड है सिट्रिक एसिड से ज्यादा पावरफुल है ओके दिस इज भयानक आवाज दिस इज शीतलांग गौरांग प्रभु क्योंकि इस्कॉन इंडिया के डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री के प्रमुख दो भक्त वैष्णव हैं उनमें से एक है शीतलांग गौरांग प्रभु उसमें से वो पोर्शन काट के दिया वैसे तो ये 14 मिनट का वीडियो है तो मैंने इसका 4 मिनट काट के आपके क्लास के लिए विशेषता आज दोपहर को काटा था प्रेजेंट किया था कि आप इंग्लिश में है उसके बाद मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा हिंदी में आसान रहेगा आपको एको नहीं होनी चाहिए उनकी आवाज है केशवाय नमः केशवाय नमः केशवाय नमः ऐसा नहीं होना चाहिए वो तो मुझे वो बोलने मत चेक कर लो ठीक है बता दूंगा चलो प्रभुपाद की स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग What is happening? वो तब तक नहीं हो पाएगी क्या म्यूट है वो म्यूट करना पड़ेगा वहां से कुछ जी फीडबैक आ रहा है क्या माइक का आएगी क्या बात उसका कोई रोल नहीं तो उसको म्यूट नहीं करो तब तक तो आवाज आएगी सतर्क तो सतर्क तो नहीं उसको म्यूट कीजिए तभी तो चलेगी लैपटॉप में वीडियो कहाँ लैपटॉप सॉरी क्या ऑडियो नहीं है तो किसको म्यूट करूं मैं वॉइस तो उसमें है ना आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट म्यूट कर दो ओके आवाज दीजिए आवाज करो मेरा तो फुल है मेरा तो फुल है वॉल्यूम कहाँ गया ये ठीक है इंटरनेट से चला रहे क्या नो प्रोजी लैपटॉप कैसे चलेगा तो ये चल रही मतलब उसमें समय बदलता है आप अपने स्थान पर
आचमन मतलब शुद्धिकरण। इसमें विशेषतया हमने बताया जैसे आचमन पात्र आपका अंदर बाहर दोनों शुद्ध रहना चाहिए, और आचमन के अंदर जो आचमन पात्र में जो जल डालते हैं वो जो है एक स्वच्छ स्रोत से होना चाहिए, वो तरल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठंडा का मतलब नहीं कि उसमें आइस डाले, मतलब गर्म आचमन नहीं करते, और उसमें किसी भी प्रकार का फेण या बुलबुले नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दुर्गंध या विचित्र स्वाद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका समर चल रहा है उसमें रूह डाल दिया आपने, वो नहीं होना चाहिए, और आपके नाखून उसमें टच नहीं हुए होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अशुद्ध वस्तु उस पर होना नहीं चाहिए जैसे बाल इत्यादि। और ध्यान रहे कि जो बारिश का पानी है वो भी रजोगुण में है, इसलिए वो आचमन के लिए योग्य नहीं है। बेसिक चीजें हैं। अब आचमन करने के लिए पहले आपको ये चीजें आवश्यक है, एक तो पंचपात्र और उद्धरणी बोलते हैं इसको, इसको पंचपात्र बोलते हैं, इसका मतलब नहीं कि पांच है, एक ही है, पंचपात्र है और उद्धरणी बोलते हैं इसको, स्पून को। और बैठने के लिए एक स्वच्छ आसन चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई कुशन रख रहे हैं उसमें। बेस्ट होगा कुशा ग्रास, घर पे ले सकते हैं, सब जगह मिलता है। और पंचपात्र उद्धरणी और आचमन के पहले और बाद में साफ करने के लिए कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा अच्छा रहेगा। तो आचमन की विधि है कि सबसे पहले जहां भी बैठ के आप करेंगे, बैठ के करना चाहिए, जिनका जिनके टांग में दिक्कत नहीं है उनको बैठ के, या टांग में या पीठ में दिक्कत नहीं है तो उनको बैठ के करना चाहिए। जमीन पर थोड़ा जल छिड़कना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, और जिस कपड़े से साफ किया था उसको अलग रखकर फिर हाथ वापस साफ करना चाहिए, और एक स्वच्छ आसन में बैठना चाहिए। साधारणतया दो प्रकार के आसन है, या साधारणतया पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं, या एक होता है स्वस्तिक आसन, या कभी कभी वीरासन भी बोलते हैं उसको, जो हनुमान जी जैसे बैठे हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आपका ये बाएं साइड का जो घुटना है वो खड़ा होना चाहिए। ऐसा रखेंगे तो जो भक्तों के लिए जो प्रभु है उनको दिक्कत होगी, क्योंकि भी जने वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे असुविधा होती है, तो ये एंगल सही रहेगा। लेफ्ट हनुमान जी जैसे बैठे हैं वैसे होना चाहिए, एक तरीका है, अन्यथा नॉर्मल जमीन पर बैठ के, या कभी कुछ लोग तो वज्रासन में भी बैठते हैं, बेस्ट है कि लेकिन जमीन पे आसन पे बैठना है, और दोनों हाथों को पहले जल से शुद्ध करना है। आपके पास आचमन पात्र है, मान लीजिए आपका आसन स्वच्छ है लेकिन है नहीं है, तो इस पानी को अभी पानी को हम पहले शुद्ध करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। मैं बता रहा हूं कि आप अपने हाथों को शुद्ध कर सकते हैं। आचमन स्पून को अभी बस देखिए, पानी यूज मत करिए, आचमन स्पून को लेफ्ट हैंड से लेकर जल पात्र से लेकर कुछ जो बूंद है अपने दाहिने हथेली पर डालना चाहिए, और इसको ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं, आपका जो लाइन दिख रहा है ना यहाँ से। और आचमन, चाहे आप आचमन कर रहे हो चाहे आप चरणामृत पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पानी डालकर ये नहीं करना चाहिए, ये अशुभ भी माना जाता है, उसका उचित फल भी नहीं मिलेगा, अनुचित है। इसको इस प्रकार पीना चाहिए कि अधिकतर लिप्स को बहुत ही कम टच करे, आवाज नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म तीर्थ से अपने आप फ्लो होके जाएगा इस प्रकार, और उस जल को देखते हुए आपका मंत्र बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केशव नारायण, देखते हुए पहले मंत्र उसमें देखते हुए बोलना चाहिए। और आगे बताया गया कि ये जो है बेस ऑफ द राइट थंब, दाहिने अंगूठे के बेस पर, इसको ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं इस एरिया में। तो अब अभी तो हम सिंपल शुद्ध करते हैं। आप ये उंगली जो है आपके बीच वाली उंगली है उसको पहले तो अपने
आप पात्र से जल लेकर दोनों हाथ स्वच्छ करिए। दोनों मतलब आपके बगल वाले का नहीं, आपके दोनों हाथ। तो उसके बाद आप ये बीच वाली उंगली जो है राइट हैंड का, उसको पानी में डिप करिए, नाखून टच ना करें, स्पर्श करें और ये मंत्र बोलें। इसको अंगुश मुद्रा बोलते हैं, अंगुश बोलते हैं ना हाथी का, वैसे अंगुश मुद्रा बीच वाली उंगली। तो उसको भी इसमें स्पर्श करें और नॉर्मली क्या मंत्र बोलते हैं हम लोग, गंगे चमने चो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वरी सिंधु। अभी इतना भी करें तो काफी है, आगे मैं आपको सामान्य अर्घ्य बताऊंगा कैसे शुद्ध करना है, शुद्ध करने की विधि आगे बताऊंगा। आचमन के लिए जो जल है उसको शुद्ध कैसे करना मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये हमने शुद्ध कर लिया। अब इस जल से आचमन कर रहे हैं, मंत्र बोर्ड पे है, आप बता सकते हैं पहले। अच्छा पहले बोल दिया, तो हाथ में थोड़ा जल लीजिए। ओम केशवाय नमः। एक गलत फहमी है कि इसमें पानी डाल के वहां पर नीचे डाले, ऐसा नहीं है विधि, कहीं नहीं है। आपने मुंह लगा दिया उसमें पानी डाल के नीचे डालना, ऐसा कहीं नहीं है। तो बंगाली लोगों का कुछ कस्टम है, गौड़ीय वैष्णव ऐसा करते नहीं है। पुजारी पीने के बाद अभी दूसरा भी जल डालिए, उसमें देखते हुए बोलिए ओम नारायणाय नमः। तीसरा दोबारा जल डालिए और इस ब्रह्म तीर्थ से पिए पीजिए। ओम माधवाय नमः। अब अपने दाहिने हाथ में दो तीन बूंद, तीन बूंद वैसे बोलते हैं, डालकर नीचे डाल सकते हैं ओम गोविंदाय नमः। एक सिंपल लॉजिक समझने के लिए आप ही के माइंड के हिसाब से सोचिए, तीन बार आपने मुंह लगा लिया इसलिए उसके बाद हाथ धो लिया, ऐसे सोच लीजिए। अब हाथ तो धो लिया लेकिन राइट हैंड धो लिया, लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे? ओम विष्णुवे नमः। ओके, अभी हाथ एक तरीके से हाथ साफ कर दिया। अब अपने दाहिने गाल में राइट चीक हाथ को ऐसे देखिए, सभी उंगलियों को ऐसे रखिए। उसके बाद ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ये जो दाहिना अंगूठा है उसके बेस पार्ट से अपने होंठ के ऊपरी भाग को, अपर लिप को बेस ऑफ द राइट थंब से करेंगे ओम वामनाय नमः। फिर उसी मोशन में ओम श्रीधराय नमः, नीचे वाला निकाल दिया। अभी आपको लगेगा वापस हाथ गंदा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? ओम ऋषिकेशाय नमः। ठीक है, सिर्फ हाथ पे काम करते रहोगे क्या? फिर पैर पे ओम पद्मनाभाय नमः। ठीक है, हाथ पे साफ कर दिया, फिर ओम दामोदराय नमः सर पे। अभी पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, अभी सिर्फ मंत्र ही आगे। उसके बाद ये जो इसी प्रकार जैसे हमने राइट हैंड का फिंगर टिप्स लिया था, उससे आपके होठों के ऊपरी भाग और निचले भाग दोनों में टच करते हुए बोले ओम वासुदेवाय नमः। अब इस प्रकार बढ़िया बोलते हैं ना वैसे, ये इससे आपका अपना राइट नोस्ट्रल, ये नाक का ये भाग जो है राइट साइड में, ओम संकर्षणाय नमः। अब ओम प्रद्युम्नाय नमः। सबसे पहले हमेशा सोचना चाहिए पहले राइट फिर लेफ्ट। अब उसके बाद अनिरुद्धाय नमः तक पहुंच गए। अब
पुरुषोत्तमाय नमः, ये रिंग वाली अंगूठी जो है उससे क्या करोगे आप, बाएं आंख पर अनुदान मैंने बोल दिया था ना, प्रद्युम्न नमः दूसरा मैंने बोल दिया था, सॉरी आपको समझाया नहीं मैंने, तो प्रद्युम्नाय नमः जो है आपने कहा यहाँ किया ना राइट नोस्टल में ना लेफ्ट, मैंने अपने आप बोल दिया अनुरुद्धाय नमः, आपको सुनाया नहीं दिया शायद, मैंने अपने आप कर लिया सॉरी, प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः लेफ्ट ईयर है, हाँ One sec, let me do it myself. Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Madhusudanaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Vamanaya Namaha, Om Sridharaya Namaha, Om Rishikeshaya Namaha, Om Padmanabhaya Namaha, Om Damodaraya Namaha, Om Vasudevaya Namaha, Om Sankarshanaya Namaha, Om Pradyumnaya Namaha, Om Aniruddhaya Namaha, Om Purushottamaya Namaha, Om Adokshajaya Namaha, Om Narasimhaya Namaha, Om Achyutaya Namaha, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः। इसको देख के करूंगा तो मुझे गलती होती है, बिना देखे मेरे बचपन से आदत बिना देखे करने की है, जो श्लोक भी हमें सिखाते हैं ना बिना देखे हम सीखते हैं, बुक देखते हैं तो गलती होती है, सो यू सॉ दैट ना, दिस इज द सीक्वेंस। अभी आराम से एक और बार करते हैं, अच्छे से करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, राइट गर्ल, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, नाभि नाभि अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, बाय हाथ, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ठीक है एक और बार करते हैं। साधारणतया वैदिक विधि है, तीन बार कम से कम करेंगे तो बैठ जाता है, क्यों डाउट है क्या? आचमन पत्र चाहिए। लैपटॉप बीच में आ रहा है, बात तो सच है, मेरे भी बीच में आ रहा है, उसको देखने की वजह से गलती हो गई, सॉरी कैमरा क्या मरा क्या जिया, सोच लो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां जो बैठे उनको तो समझ में आना चाहिए, जो आए नहीं उनको समझ में आए ना, डिसाइड करो मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लो, मैं थोड़ी हूवर इज ऑर्गेनाइजर कॉल्ड सीताराम हरी जस्ट डिसअपीयर्ड कन्वीनिएंटली happily sitting there and okay we are wasting time let's just close this jisko jaise dikhe meri awaaz suno puri request hai ek aur mudra hai bolo ha sabse pehle om keshavaya namaha om narayanaaya namaha om madhavaya namaha om govindaya namaha ओम विष्णुवे नमः
ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः पैर, ओम दामोदराय नमः सिर, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम हरये नमः, ए उपेन्द्राय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः। राइट, आपको ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको सीताराम मरी विल सेंड द वीडियो टू एवरीबॉडी ऑफ ग्रुप में, उस वीडियो को देख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अंग्रेजी में है लेकिन अनिरुद्धाय नमः अंग्रेजी हिंदी सभी भाषा में अनिरुद्धाय नमः ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। आचमन शब्द का भी इंग्लिश में और कोई इक्विवेलेंट नहीं है। तो यस, एवरीथिंग इज क्लॉकवाइज इन भक्ति, देयर इज नथिंग एंटी क्लॉकवाइज। You're doing this. Vamanaya Nama, Sridharaya Nama. Narasimha is this year. You have to see, na? It's like this. It'll come like this. You don't do like this. You do like this. You start from here and then do like this. Kai log aise bhi karte hain. But it's, I found this easier. Point is, base of the thumb should touch the top of the lip and the bottom of the lip. That is the principle. Principle clear hai na sabke liye? Ho sakta main aapke side mein turn hoke karun to hi samajh mein aayega kuch logon ko. Isliye video kar raha, video mein bhi situation hui hai. Ha? Fingers ka. Ha. Madhusudanaya Namah sab ek saath hi hai. Trivikramaya Namah. Ha? वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय, दामोदराय नमः, उसके बाद वासुदेवाय नमः। ये है ऊपर नीचे, नोस नहीं, अपर लिप एंड लोअर लिप। नोस यहां आता है क्या आपका? वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, सेम, ओनली वन, यू जस्ट टच द अपर। ओम संकर्षणाय नमः इज द इंडेक्स फिंगर, this is index finger. Om Sankarshanaya Namaha, right nostril. Om Pradyumnaya Namaha, left nostril. Om Aniruddhaya Namaha, ring ring. Om Purushottamaya Namaha, Om Adhokshajaya Namaha, wapas index finger. Right ear. Om Narasimhaya Namaha, choti ungli. Om Achyutaya Namaha, Om Janardanaya Namaha, Om Upendraya Namaha, Om Hare Namaha, Om Krishnaya Namaha. Ek aur baar karna hai? इसको पद्मनाभ नमः ऋषिकेशन में, यू कैन डू लाइक दिस, लाइक तुलसी को जल अर्पित करते हैं ना वैसे, हाथ ऐसे तो ओम ऋषिकेश नमः, व्हिचएवर वे इज ओके, यू कैन टेक दैट, दैट इज फाइन। पद्मनाभाय नमः पैर में लगाना है, ऐसे नहीं कि, और दूसरा प्यास लगी है करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ऐसे मत करना थोड़ा ही। एक और बार करते हैं,
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः पैर, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वासुदेव, ओम दामोदराय, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम अनिरुद्धाय, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। बाकी वीडियो घर आ जाएगा, देख लेना। ये पूरा क्लास सिर्फ आचमन के ऊपर नहीं है, और भी है पॉइंट्स। तो आचमन के अंत में ये मंत्र बोला जाता है, ओम तद्विष्णोर् परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्नवो जागृग्वं सत्समिन्दति विष्णोर् यत् परमं पदं। अब आसन से उठे, आसन को वापस अपने निर्धारित स्थान पे रखे। ऑल्टर में पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है, एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का नियम। हर वस्तु का एक स्थान निर्धारित है और हर वस्तु को अपने निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। आसन उठने के बाद आसन वहीं रखें, फिर आपके पंचपात्र को अलग कर सकते हैं, उस स्थान को साफ करें और जहां पर उसका निर्धारित स्थान है वहां पर रखें। रखने के बाद अपना हाथ साफ करें। हाथ साफ करें मतलब ऐसा नहीं, हाथ साफ करें। ये मंत्र आप कायदे से वैदिक मंत्र है, आपको ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही सीखना चाहिए, लेकिन सीख गए तो ठीक है। अब बहुत स्टाइल बात एक होती है, पुजारी को ऑल्टर से लोगों के सर पे आशीर्वाद रखना, उसको लगता है जैसे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तो ये मंत्र वो है, ये भी आपको सर्कुलेट किया जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी पुजारी लोग मंत्र बोलते रहते हैं, जैसे उस समय वैसे मुस्कुराना मुस्कुराना कुछ नहीं, उनसे बात नहीं करना, पुजारी को बस मंत्र बोलना है। पुजारी का कार्य ये है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बाहर वालों से बात नहीं करना चाहिए जितना हो सके पुजारी को, या कुछ चिन्ह नहीं दिखाना चाहिए, इमरजेंसी सेवा के बीच में बस उठना, अदरवाइज नहीं। षडगोपं प्रपद्ये सर्वेषं वस्तुतोपरि सर्वपापक्षयं प्रोक्तं षटारिशरणे क्षपात् षडगोपं मूर्ध्नानां कोटिजन्मघनाशनं श्रीपुष्टिवन्दे कीर्तनं विष्णुपादस्पर्शनात् लभेत। बहुत ज्यादा दिक्कत है तो डरने की जरूरत नहीं, उसके साथ वहां पे लैमिनेशन है, उसको देख के पढ़ सकते हैं, शटारी के साथ ही रहता है। शटारी मतलब ये श्री वैष्णव संप्रदाय की प्रथा है, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारा प्रचार का आंदोलन है, लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, पारस्परिक आदान प्रदान है तो लोगों को अच्छा लगता है। कुछ नहीं सोचो कि कभी कभी माला नहीं है टेम्पल हॉल में, भगवान के सामने माला चढ़ी नहीं है, एटलीस्ट यू कैन गिव शटारी, उनको अच्छा लगेगा। जो मंदिर में आता है वो भगवान की कृपा याचना के साथ आते हैं, कम से कम कुछ श्रद्धालु जो हैं, तो ये शटारी मंत्र उसके लिए बहुत अच्छी विधि है। हालांकि कुछ कट्टर गौड़ी वैष्णव है जो कि शटारी स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन साधारण विधि यही है कि शटारी से बहुत अच्छा होता है। शटारी मतलब नमाड़वार, कि पुरातन काल में रहे थे श्री वैष्णव संत हैं, शटकोपन जिनको बोलते थे। तो परम भगवान के चरण कमल में रहते हैं वो, इसलिए आप देख सकते हैं कि उन किरीट के ऊपर चरण चिन्ह भी हैं उसपे, और सर पे सबके रखने के बाद मंत्र बोलते हुए रखने के बाद वापस रखने के पहले उसको एक बार शुद्ध कर लें सामान्य अर्घ्य से, यह आवश्यक है। और ये मंत्र बोलना अच्छा है, ऑल्टर में जब रहे ना भगवान के साथ, हमेशा कुछ
मंत्र ही बोलते रहना चाहिए, प्रार्थना बोलती रहनी चाहिए, अर्चनम के साथ वंदनम भी होनी चाहिए, प्रार्थनाएं हमेशा आवश्यक है। ये मूड बहुत जरूरी है, तब हम सर्वन के मूड में रह सकते हैं। चाहे डीटी किचन में भी माताएं सेवा करती हो तो आपका मूड यही होना चाहिए। डीटी किचन में बातें होनी नहीं चाहिए, इमरजेंसी बातें होनी चाहिए। जैसे ऑल्टर में ड्रेसिंग के टाइम पे पुजारी लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए दूसरे से, ठीक उसी प्रकार डीटी किचन में भी माताओं को एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए। कायदे से मास्क लगना चाहिए, और सर पे तो माताएं पहनती हैं, देखता होगा आपने, मास्क लगनी चाहिए, बातें बहुत कम होनी चाहिए, और कोशिश करें कि मंत्र बोलते रहें किसी न किसी प्रकार से, तो चेतना सही रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट है ड्रेसिंग के टाइम पे। मैंने देखा अहमदाबाद मंदिर में एक ब्रह्मचारी भक्त हैं, लगभग 20-22 साल से हैं भक्ति में, वो अपने सैफरन कपड़े से मुंह को बांध देते हैं, उसके बाद ड्रेस करते हैं राधा गोविंद का। दैट इज अ वेरी गुड मूड, इस भाव से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, भगवान के ऊपर थोड़ी थूक गिरेगी हमारी ना, सोचनी चाहिए जितना अधिक बात करेंगे उतना अधिक थूक गिरेगी भगवान के ऊपर। औकात क्या हमारी, अखिलांड टुकड़े ब्रह्मांड नायक के ऊपर थूक रहे हैं हम लोग। यस यू हैड अ क्वेश्चन? नो यू कैन कीप सेइंग ना, आप करोगे तो फिर मंदिर बंद करना पड़ेगा शाम रात तक। क्या है भाई पुजारी शटारी मंत्र बोल रहे हैं, मंगल आरती से चल रहा है। प्रैक्टिकल है, यू शुड कीप डूइंग इट, जस्ट कीप चैंटिंग मंत्रस एज़ यू डू इट। कुछ सीनियर वैष्णव आते हैं, जैसे सन्यासी आते हैं तो उनको सिर पे राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर एंड बैक ऐसे रखते हैं, उनको पूरा मंत्र बोले अच्छा रहेगा। ओके तो ये इसलिए बोला कि आप लोग मान लीजिए कि ब्राह्मण बन जाएं बाहरी दृष्टि से और आपको अंदर प्रवेश दिया जाए, ये सेवा तो पहले दिन ही मिल सकती है, शटारी वाली सेवा। यस दशरथ रूप नहीं नहीं वो सामान्य, वो अभी अगला पॉइंट आएगा, सामान्य अर्घ्य मैंने बताया था ना, सामान्य अर्घ्य जो भगवान के सामने आप देखेंगे तो कम से कम दो आचमन पात्र रहते हैं आरती के टाइम पे, आपने देखा होगा, एक जो है पुजारी को स्वयं अपने हाथ को स्वच्छ करने के लिए, दूसरा जिसमें तुलसी तट डाला हुआ है भगवान के लिए जो उपचार है उनको शुद्ध करने के लिए। आज मैं आरती की विधि बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसी के लिए बहुत सारे लोगों का आरती है, वो नहीं बताएंगे आज, हम दो तीन पॉइंट्स और बताएंगे। व्हाट इज द क्लोजिंग टाइम? 9:00। ओके तो मैं कोशिश करूंगा कि 8:40-8:45 तक कंप्लीट करूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर इट, क्योंकि कवर करना भी जरूरी है। तो अगला पॉइंट वही था, आपका प्रश्न ही था सामान्य आरोग्य कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक एम्प्टी पंचपात्र लेना चाहिए जिसमें फ्रेश पानी भरना चाहिए, और जैसे मैंने पानी भर दिया अभी इसमें, थैंक्स टू रेवती पति प्रभु फॉर ब्रिंगिंग द एडिशनल आचमन पात्र। तो उसमें दोनों हाथ को साफ करने के बाद दाएं हाथ में थोड़ा पानी ले ले और उसको प्रोक्षण बोलते हैं, प्रोक्षण जानते हैं ना, प्रोक्षण करते हैं, प्रोक्षण मतलब उंगली के बीचों में से, उंगलियों के बीचों में से उसको पानी डलवाना चाहिए इसमें। ओम अस्त्राय फट बोलिए, हाँ ये बोलने से शुद्धिकरण होता है, मंत्र के साथ करेंगे तो शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आप मुद्राएं दिखाएंगे इसके ऊपर, ये आएगा मजा। आधे लोग पुजारी बनना चाहते सिर्फ इसके लिए, इतना बढ़िया लगता है मिस्टिक पावर्स, मेरा गोविंद नाम जो है ऐसे करता रहता है, उसको इस मिस्टिक चीजें सब अच्छी लगती है। यज्ञ में पुष्प डाल सब सामग्री डालते हैं, कृष्णा यस्वाहा ऐसे डालते हैं वो, तो ऐसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है मिस्टिक पावर्स है ना, एक होता है मंत्र दूसरा होता है तंत्र, दोनों चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ मुद्राएं हैं, ये सबसे पहले इसको बोलते हैं चक्र मुद्रा, चक्र होते हैं ना, लेफ्ट हैंड नीचे आएगा राइट हैंड ऊपर आएगा, चक्र मुद्रा, जैसे चक्र को टर्न करते हैं ना वैसे टर्न करेंगे, चक्र मुद्रा। अब आपके छोटी उंगली राइट हैंड की ऊपर आएगी, लेफ्ट हैंड के अंगूठा जो है उसे टच करेगा, लेफ्ट हैंड का छोटी उंगली ऊपर आएगा और राइट हैंड का अंगूठा नीचे आएगा उसके,
और उसी प्रकार राइट हैंड का अंगूठा ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड की उंगली नीचे आएगी, लेकिन बीच के जो तीन तीन उंगलियां हैं वो ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे आएगा, समझ गया ना? ये उंगलियां ऐसे पकड़ेंगे, पहले पकड़ लीजिए, राइट हैंड ऊपर ही रहेगा हमेशा, बाएं हाथ से कोई काम नहीं होता ऑल्टर में, पंजाब में खास करके विशेषता है लोगों का, लेफ्ट हैंड के बिना कुछ नहीं चलता। हाँ, बाएं हाथ नीचे रहता है, दाएं हाथ ऊपर रहता है, ये तीनों उंगलियां इसे पकड़ेंगे, ये क्लियर हो गया ना? अभी ये राइट हैंड का जो छोटी उंगली है लेफ्ट हैंड के अंगूठे को टच करेगी, राइट हैंड का अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली को टच करेगी। ये गालिनी मुद्रा है, इसे तीन बार घुमा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं, चक्र मुद्रा, गालिनी मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है आगे जो दिखा रहा हूं अभी के लिए नहीं है, बाद में आप सीखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, होता है इस प्रकार, अभी सीखिए मत, इसको सुरभि मुद्रा बोलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। छोटा उंगली राइट हैंड का, छोटा उंगली लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर पे जाएगा, राइट हैंड का रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे जाएगी, और फिर ऊपर के राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पे जाएगा, राइट हैंड का मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे जाएगा, और ऊपर ये अंगूठे दोनों आएंगे। करते करते हाथ टूट सकता है, इसलिए अभी मत करिए, बाद में सीख लीजिए, अभी इतना ये मुद्रा करते हैं। इसके बाद जो है हमने पहले बताया था ना अंगुष्ठ मुद्रा, जैसे मैं अभी कर लेता हूं, एक बार करने के बाद अंगुष्ठ मुद्रा, ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आप करेंगे, आपका दाहिना हाथ नीचे आएगा, राइट, बाया हाथ ऊपर आएगा, और आपके जो उंगली है ना इसमें आपको आठ बार बीज मंत्र बोलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक। सामान्य अर्घ के लिए बस को आपको ओम ही बोलना है, जैसे आप ऐसे रखे ओम 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 8 बार, और उसके बाद मत्स्य मुद्रा मछली, बढ़िया लग रहा ना, कुछ किया लग रहा ना, ये दिक्कत हमें ये कलयुग में। तो ये मुद्राएं करने से ये अर्घ्य जो है सामान्य अर्घ्यम बोलते हैं इसको, ये जल शुद्ध हो जाता है। अभी ये ओम के बदले अगर हम परम भगवान के लिए सामान्य अर्घ्य तैयार कर रहे हैं तो उसमें भगवान का बीज मंत्र आएगा, गौरनिता है तो गौरनिता का बीज मंत्र आएगा, कृष्ण राधा कृष्ण तो उनका बीज मंत्र है, वो मैं आपको बोल नहीं सकता जब तक आपको गायत्री नहीं मिलती, मैं आपको बीज मंत्र बोल नहीं सकता, आप लोग बाद में सीख लीजिए। तो गौरनिताय का या राधा कृष्ण का या गुरु का, गुरु के लिए भी सामान्य अर्घ तैयार करते हैं तो गुरु का बीज मंत्र बोल के करते हैं। तो अभी हम अपने लिए करते हैं तो क्या बोलेंगे, ओम, सिंपल, ओम तो कोई भी बोल सकता है। तो इससे आपका लैपटॉप बंद हो गया, पासवर्ड अर्घ्यम तो नहीं है पासवर्ड, अच्छो तभी बोलेगा नहीं, आके बोलो ना वहां से 2023 माइक पे बोल दिया, वेरी ओपन कंप्यूटर। तो ये है मुद्राएं, अभी तक आए नहीं क्या? हाँ, सीक्वेंस यही है, बस यही बचा था, पूरा तुरंत फोटो ले लिया, घर जाके सारी मुद्राएं करेंगे। आज इस्कॉन डिले में मुद्रा स्फूर्ति होगी। सीक्वेंस ऐसे है, इसलिए इतना कठिनाई से मैंने मूव करके बना स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए, अब पूछो मत सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस
सबसे पहले चक्र गालिनी धेनु अंकुश फिर मत्स्य, मत्स्य के पहले बीज मंत्र बोलते हैं, हाथ ऐसे रख के। हाँ अच्छा ले लीजिए एंगल। ओके तो सामान्य अर्घ तैयार हो गया आपका, अपने लिए ये कर सकते हैं आचमन करने के लिए। आचमन करने के लिए कायदे से सिर्फ गंगे चमन जो है नहीं बोलना चाहिए, सामान्य अर्घ तैयार करके उससे आचमन करना चाहिए। इसी सामान्य अर्घ में परम भगवान का बीज मंत्र बोलकर तुलसी दल डालेंगे तो परम भगवान के उपचार को शुद्ध करने के लिए यूज कर सकते हैं इस प्रकार। दो आचमन पात्र होते हैं, एक हमारे लिए, हाँ एक हमारे लिए, एक भगवान के उपचार के लिए। ये वाला हो गया हमारे लिए, हाँ इसी में हम बीज मंत्र बोलकर तुलसी डालने के लिए भगवान के। करेक्ट करेक्ट। और सुबह हम जैसे भगवान को स्नान इत्यादि करते हैं, स्नान मतलब पूरा स्नान ही, मंत्र स्नान करते हैं, उस समय हम एक बर्तन में पानी डालकर उसको सामान्य अर्घ बोलकर अब स्लाइड देख लेता हूं। ठीक है अब हम भोग कैसे अर्पित करेंगे भगवान को ये देखेंगे कायदे से, वो लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे उसके बाद में ये को थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा। अभी मैं आपको कुछ थियरी बताता हूँ, फिर उसके बाद कुछ समय बाद हो सकता है कि आप ऑल्टर में जाएंगे या आपके कॉन्ग्रिगेशन के लिए कुछ सेवाएं करनी पड़ सकती है। तो उसमें दो बेसिक पूजा है, एक तो बर्थडे वगैरह के लिए एनिवर्सरी के लिए एक पूजा है, और एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो दिल्ली में बाकी चार मेट्रो में जितनी गाड़ी है उसका इक्वलेंट अमाउंट है, सिर्फ दिल्ली में उतनी गाड़ियां, तो वाहन पूजा होती रहेगी। तो ये मंत्र इसका भी आपको मिलेगा, इसको फोटो वोटो लेने की जरूरत नहीं, आपको ग्रुप में डाल देंगे। तो ये मंत्र बोलकर संकल्प लेते हैं, कोई भी पूजा के पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का मतलब है पहले लोगों का हाथ धुलवा कर उनसे आचमन कराएंगे, जो यजमान है उनका हाथ जो है स्वच्छ कराकर या आचमन कराने के बाद उनसे हम या पुष्प या दीप जो है उसके ऊपर हाथ रखवाएंगे और संकल्प लेने के लिए बोलेंगे। श्री भगवत आज्ञाय भगवत कैंकर्य रूपम श्री श्री राधा पार्थ सारथि प्रीत्यर्थम, राधा पार्थ सारथि प्रीत्यर्थम हिंदी जैसा ही है, कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम, इसमें क्या रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें देख के पढ़ना है वो भी। और अगर वाहन पूजा कर रहे हैं तो श्री भगवत आज्ञाय भगवत कैंकर्य रूपम यंत्राभिमानी देवता श्री नरसिंह देव प्रीत्यर्थम कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम, यहां तक सेम चल रहा है। अब व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका हो रहा है, उनका गोत्रोद्भवस्य, उनका कौन सा गोत्र पूछते हैं ना पहले, तो कई लोग मित्तल गोत्र बंसल गोत्र सब बोलते हैं, ये सब ऋषियों का नाम नहीं है। गोत्र नाम स्पष्ट होता है, भारद्वाज कौशिक विश्वामित्र नैत्रुभ काश्यप सब अलग अलग गोत्रों के नाम होते हैं। गोत्रों के नाम नहीं है तो फिर क्या है, अच्युत गोत्रोद्भव, अच्युत गोत्रोद्भवस्य। और उसके बाद नक्षत्र, उत्तर भारत में नक्षत्र की उतनी प्रथा नहीं है, दक्षिण भारत में है, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कार्तिका रोहिणी मार्गशीर्ष पूर्वाषाढ़ इसमें कई सारे 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्र के अंदर व्यक्ति जन्मते हैं, जैसे मेरा मुझे बताया गया कि मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो लोगों के अलग अलग नक्षत्र होते हैं। इसी प्रकार शुभ नक्षत्र जातः पुरुष है तो नामधेयस्य फलाना फलाना बालेश्वर रूप नामधेयस्य या उसके बाद नामनीय राधा मूर्ति नामनीय स्त्रियों के लिए, और अस्य यजमानस्य मेरे यजमान है इनके लिए मैं कर रहा हूं। अगर वाहन पूजा है तो भी यही आएगा, ये कॉमन है। अगर बर्थडे कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य क्षेम स्थैर्य श्री विजय वीर आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम सर्वदोष निवारणार्थम मन इष्टार्थ सिद्ध्यर्थम विशेषतः श्री कृष्ण भक्ति प्राप्तम श्री श्री राधा कृष्ण अनुग्रह भाव
भूयादि प्राप्त आचार्य श्रीहस्तेन अन्योन्य सहायेन श्रीकृष्ण स्तोत्र शतनामावली पुष्पार्चनम करायिष्ये, दूसरों के लिए कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं तो करिष्ये, सिंपल है। आपको ये सब कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं, देख के पढ़ना है, बहुत क्लियर है। 90% शब्द तो हिंदी का है, अब बताओ ना विशेषता कौन सा है। सर्वदोष निवारणार्थम, क्या रॉकेट साइंस क्या है? क्षेम स्थैर्य श्री विजय वीर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थम, हिंदी। तो ऐसा नहीं कि वहां पे आप स्कॉलर होके जाना है ऑल्टर में, वो भी सब रेडी है, बुक में आपको प्रिंट होके मिलेगा। और वाहन पूजा है तो सकुटुंबस्य सह परिवार से क्षेम स्थैर्य श्री विजय वीर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम सर्वदोष निवारणार्थम मन इष्टार्थ सिद्धम विशेषता श्रीकृष्ण भक्ति प्राप्तम निर्विघ्नेन सद उपयोगार्थम, गाड़ी का दुरुपयोग न करें और बिना किसी विघ्न के करें। श्री नरसिंह देव अनुग्रह भूयादि प्राप्त आचार्य श्री स्थिर न्यून सहाय श्री नरसिंह देव पूजम पूजाम धूप दीपाराधना करिष्ये, आप पुजारी हो तो करिष्ये, आप कर रहे हैं तो करिष्ये। वो भी आपको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं, बस बोलना है। अब इससे पहले कि यस प्रो जन्म नक्षत्र उस दिन का नहीं, वो तो बहुत लंबा लंबा संकल्प है, उतना करते रहोगे तो दिन में एक ही पूजा हो पाएगी। इतने सारे लोग आते हैं ना, फटाक फटाक से पूजा करते रहना चाहिए, तो इस पूछ के जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। इस मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। उनका नाम क्या इतना ही पूछना, बाकी सब तो स्टैंडर्ड है। बट गुड क्वेश्चन, थैंक यू। यू नो ऑल दिस नो, यू मस्ट, आपके परिवार में से तो हुआ होगा ना पहले, और दीपक शर्मा ना, उसका एक फायदा है, भले ही बताया जाता है कि कलयुग में जितने भी ब्राह्मण हैं वो पिछले युग के राक्षस हैं, लेकिन इतना तो है कि थोड़ा तंत्र मंत्र विधि से तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो आज के अंत में घर जाते समय कृपया इतना निश्चित रूप से याद रखें, पहला पॉइंट साथ पढ़िए मेरे साथ, भगवान की पूजा में समय की पाबंदी और सफाई सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा, कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अच्छी तरह से स्नान किया है, अपने पैर धोए हैं और अर्चन से पहले 2 बार आचमन किया है, बहुत अच्छा है। ऑल्टर जाने के पहले, वैसे तो हर बार आप स्नान करके आएंगे तो पहले आचमन करिए पूरा, फिर उसके बाद तिलक धारण करिए, ये आदत लगाइए अभी से। 24 आचमन इतना अच्छा लगेगा आपको, सच बताए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना भी लेट हो रहा हूं आज भी, मैं आने के पहले मैं स्नान करने के बाद 24 आचमन करके आया। एवरी टाइम आई डू इट, यू कैन आस्क माय रूममेट्स आल्सो, एवरी टाइम आई डू 24 आचमन बिफोर आई कम, कुछ समय नहीं लगता। और वैसे ही 12 तिलक लगाने में भी समय नहीं लगता, सब 12 तिलक लगाते हैं। 12 तिलक है कि 13? नहीं, 12, 13वां बचा हुआ लगाते हैं। तत्प्रक्षालन तोयम तो वासुदेवदि मूर्तिनी, वो मंत्र भी सीख लीजिए, और कम से कम टेम्पल के जितने भी आरती हैं आपको आना चाहिए अच्छे से, अच्छे उच्चारण के साथ, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद प्रसाद हो नहीं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद नगति कुतोपि, श्री राधिका माधवयोर पारा पारो देवदास नहीं है, प्रतिक्षणास्वाद धनलोल्लुपस्य नहीं है, पैसे की लोभ नहीं है, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य युक्तस्य भक्ता चनियुंजतोपि नहीं है, युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि, ढंग से थोड़ा देख के पढ़िए वो सब। ऐसे नहीं आपको पंडित बनना है, लेकिन कम से कम गलत तो मत बोले ना, भगवान को बुरा लगेगा क्या आप अच्छा बोलोगे तो शुद्धिकरण? नहीं 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 नहीं, हम लोग शुद्ध भक्त हैं, हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम लोग गलत उच्चारण ही करेंगे तो नहीं है। और ये लोकनाथ लोकेरा जीवना है, लोकेनाथ लोकेरा जीवना नहीं है, तो साधारण ये सामान्य गलतियां अवॉइड करिए। लोकनाथ महाराज का एक बहुत सुंदर बुक आता है, गाइड टू गुड संस्कृत प्रोनाउंसिएशन, तुमने पब्लिश किया था नंदू? नहीं ना, इट्स अ गुड बुक, मे बी यू शुड ट्राई एंड गेट इट, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रांसलेटेड इन हिंदी आल्सो, कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं, अच्छा है ब्राह्मणों के लिए खास करके ना, बुक बहुत अच्छा है। मैं जब सन्यास कॉलेज की क्लासेस में ना, दे डिस्कस दिस, जो छंद शास्त्र और नो गाइड टू गुड संस्कृत प्रोनाउंसिएशन, इस बार एक सेशन था मिल गया,
तो अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, कम से कम समझ लग सकते ना, गलतियां ना करें। बड़े बड़े प्रवचन देने की जरूरत नहीं, श्लोक देने की बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक उच्चारण ढंग से करना चाहिए हमें, उससे अच्छा लगेगा। और तीसरा पॉइंट, जब आप वेदी के अंदर हो, साथ पढ़िए ना, भूल गए क्या? जब आप वेदी के अंदर हो तो जितना हो सके कम बोलें, और उन लोगों की बातों को भी जवाब देने से बचें जो आपकी सेवा के लिए बिल्कुल आवश्यक ना हो। आप ऑल्टर जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई ससुराल में गए हो और आप स्त्री हो, इनकेस डाउट है तो, क्योंकि अगर दामाद जाता है तो बहुत ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी डांट पड़ सकती है, क्योंकि गलतियां हम कर सकते हैं, गलतियां करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी प्रकार डांट मिलना भी हमारे लिए अनिवार्य है ऑल्टर में या डीडी किचन में, सॉरी माताजी के सामने बोल रहा हूं। तो पहली बार जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, कुछ समय तक डांट खाना अनिवार्य, कुछ कर नहीं सकते उसमें। नहीं नहीं नहीं, मैं छुई मुई हूं, मैं आगे से नहीं आऊंगा, बस हो गया, सेवा खत्म, नुकसान आपको है। आपको पता नहीं डांट खाना क्या होता है, सच में खा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। तो सिर्फ ऑल्टर में नहीं, हर क्षेत्र में डांट मिलती है वरिष्ठ वैष्णव से, तो हमारा शुद्धिकरण है। यस, मैं ही सीनियर हूं, मैं कैसे डांट खा सकता हूं, ये पूछ रहे हो क्या? Aditya Krishna Prabhu has seen it to me also by 2-3 years, and also Anandajit Prabhu, but he got initiated before me. Yeah. दोबारा करेंगे तो अपराध नहीं लगेगा, दोबारा करो वही है, दोबारा करो अच्छा, इट इज बेटर, इट इंक्रीजेस योर कॉन्शियसनेस। सोचो ना, उतनी बार 48 बार भगवान का नाम ले रहे हो, लुक एट द कॉन्शियसनेस ना, कुछ समय बाद दिमाग में चलता रहेगा कुछ समय तक। सो दैट इज द पॉइंट, सो यू डू मोर। अगर रूम में रहते हैं, घर पे रहते हैं तो एक बार कर लीजिए चलेगा, बट इफ यू गो टू द ऑल्टर इट बी नाइस टू डू। एक बार आपका स्पीड आ जाएगा ना, मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ 10-15 सेकंड लगता है आपको पूरा 24 आचमन करने में, फुल एक सेकंड भी नहीं लगता फुल इस करने में। तो ये बात आवश्यक है कि इधर उधर की बातें ना करें। कभी कभी आपको लगता होगा तुरंत कल से आप पुजारियों को जज मत करिए कि हाँ बोल रहे हैं वेदी में, बगल वाले उसको देखो बगल में बोल रहा है, कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं करोगे। वैष्णव शिष्टाचार का नियम यह है कि ये मेरे लिए है, दुनिया करे ना करे बाढ़ में जाए, मुझे भक्त बनना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं करूंगा, तुम करो नहीं करो मुबारक। तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, आपको करना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, गलती से कुछ छूट गया दूसरे का तो उसको उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए जैसे हम भूल जाएंगे। हम भूल जाते तो क्या बना, अरे अरे हमेशा तो मैं करता हूं, आज भूल गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? स्टैंडर्ड डायलॉग है, किसी को भी कुछ भी बोलोगे ना, प्रभु आज आप प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग प्रणाम नहीं किया आपने, पंचांग प्रणाम किया, मैं रोज करता हूं आज कर नहीं पाया, स्टैंडर्ड डायलॉग है। कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि सॉरी प्रभु आज गलती हो गई, ये नहीं बोलेगा, पहले ये बोलेंगे कि मैं रोज करता हूं। तो दूसरे को भी वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, दूसरे वैष्णव को जज मत करिए। ये जो ऑल्टर के स्टैंडर्ड्स हैं ये सब हमारे लिए हैं। कभी कभी लगता है आप ऑल्टर में जाओगे ना, कभी कभी लगता है सीनियर पुजारी फटाक से आचमन करके जाते हैं, मंत्र ठीक से बोल देंगे, पता नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण और उनके बीच में आपको अपना प्रोसेस ठीक से करना चाहिए। अब चौथा पॉइंट, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो वेदी के बाहर किसी से बात ना करें। एक तो अंदर बात करेंगे कुछ ना बोलेंगे, लेकिन बाहर बात करने का मजा ही कुछ और है। और खास करके बाहर के लोग आएंगे बोले पंडित जी तो थोड़ा मजा आएगा, कुछ लोग उससे भी ऊपर जाके महाराज जी बोलेंगे और फॉल्सी को बढ़ जाता है। तो बातें ना करें, जितना जरूरत हो उतना करें। कई लोग झांग के खींच के पैर भी छूने के लिए आएंगे, इस सब में पढ़ना ही नहीं है, संभाल के रहना, स्पर्श ना हो। अगला पॉइंट ये भी है, जितना संभव हो वेदी के बाहर किसी के साथ शारीरिक स्पर्श से बचें। कभी कभी हमें लगता है जैसे नरसिंहदेव का, जब जैसे कल हर सैटरडे मेरी सेवा है नरसिंहदेव को जगाने की, तो नरसिंहदेव को 4:15 बजे हम लोग जगाते हैं, तो
तो सवा चार बजे जगा कर अर्घ्यम इत्यादि कराकर भोग रेडी करके साढ़े चार को शंख बजता है, हम लोग आरती में दर्शन करने आते हैं। उस समय आप देखिए पुजारी डर डर के बच बच के जाता है, और 4:40 को वापस जाके हम बोल लगाते हैं नरसिंह देव का, इतने में दर्शन करना पड़ता है इसलिए आते हैं। लेकिन मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए टच किसी प्रकार का। आपको भी आपको केयरफुल रहना चाहिए, आगे जाके आप ब्राह्मण बनने वाले हो, कोई सिर्फ चादर पोट के खड़ा है तो मान के चले पुजारी है, इस स्पीड में मत जाइए उसके सामने, अंदर अंदर थोड़ा एडजस्ट करके जाइए, टच ना करें, आप भी टच ना करें। क्योंकि दिक्कत ये होती है ना, कभी कभी सुबह जो उठते हैं लेकिन ऑल्टर नहीं जाते, वो कभी बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आचमन करते हैं ना करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्वच्छ पुजारी है उसके ऊपर स्पर्श नहीं होना चाहिए। और सेम थिंग डीटी किचन के लिए भी सेम रूल है, डीटी किचन में भी जो माताएं जाते हैं उनके लिए रूल सेम ही है, सेम पुजारी का जो रूल है वही रूल होना चाहिए डीटी किचन में। जैसे ऑल्टर में जाने के पहले प्रणाम करके जाते हैं, वैसे डीटी किचन में जाने के पहले प्रणाम करके जाना है, यही मंत्र बोलना है, नाहम विप्रो नच नरपति। आपकी औकात क्या है भगवान के लिए भोग बनाने की? गुरु के माध्यम से होता है, गुरु की कृपा से होता है, गुरु सक्षम बनाते हैं हमें, तो यही सब बोले श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद। यही नहीं, सब जगह गार्लैंड बनाते हैं वही करना चाहिए, यज्ञ कर रहे हैं सामने गुरु का फोटो होना चाहिए, भगवान का ड्रेसिंग कर रहे होना चाहिए, सेमिनार दे रहे हैं गुरु का फोटो होना चाहिए साथ में, कि जो भी कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए। तस्मात सर्वम प्रयत्न है ना गुरु में एवं प्रसाद, जो भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ गुरु की प्रसन्नता के लिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके आगे भक्ति चलेगी। अब समय लगेगा क्योंकि प्रैक्टिकल चीज, इसलिए उसको लास्ट में रख रहे हैं। हमने अर्घ्यम जो है शुद्ध कर लिया, सामान्य अर्घ्य को शुद्ध कर लिया मुद्रा वगैरह दिखाकर मंत्र बोलकर। अब इसको बीज मंत्र से, भगवान के बीज मंत्र से को शुद्ध करके भगवान को भोग लगाया। आई वॉन्ट समबडी टू हेल्प मी, आदित्य यू कैन जस्ट कम एंड हेल्प मी, पुट दिस फ्रूट्स ऑन द प्लेट एंड पुट सम तुलसी ऑन इट। मैं अभी आचमन कर रहा हूं, अब मैं इसको सामान्य अर्घ्य बना रहा हूं भगवान को भोग लगाने के लिए। भगवान के लिए बन गया। अभी मैं यहां गुरुदेव को रख रहा हूं क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से भोग लगता है। अभी तक तो प्रोसेस सिंपल है ना, आचमन कर लिया, सामान्य अर्घ्य रेडी कर लिया, शुद्ध किया अपने आप को, अर्घ्य रेडी कर दिया, अभी भोग रेडी है तैयार शुद्ध होने के लिए। अभी इस जल को लिया, दिस इज भोगा ओम अस्त्राय फट। और उसके बाद वही विधि है, भोग को भी शुद्धिकरण करें, अंगुष मुद्रा की जरूरत नहीं क्योंकि जल नहीं है, बीज मंत्र भगवान का होगा यहां पर, फिर मत्स्य मुद्रा, शुद्ध हो गया भोग। अब ये भगवान का है, ये गुरु का है, इसको भी मैं वैसे शुद्ध कर रहा हूं।
इसमें मैंने गुरु का बीज मंत्र बोला है, इसमें तुलसी नहीं डालते क्योंकि गुरु जीव तत्व है या गुरु तत्व अलग है, विष्णु तत्व नहीं है। तो अब मेरे पास तीन पात्र हैं, एक मेरा अपना जिसमें हमने ओम मंत्र से शुद्धिकरण किया था अपने हाथ के लिए, और एक गुरु बीज मंत्र से शुद्ध किया था, और एक परम भगवान का। वैसे अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस मुश्किल से एक डेढ़ मिनट का काम है। और ये जो है भोग है जो शुद्ध है, इसको विसर्जनी बोलते हैं, जो पात्र आप देखते हैं ना बड़ा वाला जिसमें जल डलता है, तो विसर्जनी क्योंकि नहीं है उसके बदले इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गुरु को गुरु के चरण कमल में, गुरु के चरण कमल में फूल अर्पित करेंगे और बोलेंगे एष पुष्पांजलि, और फिर गुरु का बीज मंत्र बोलेंगे। तो अभी तो मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, अभी तो फूल नहीं है, मेंटली ऑफर कर लेते हैं। तो गुरु को फिर हम क्या करते हैं, गुरु के लिए जो पात्र है उसमें से, हाथ में हमेशा बेल होना चाहिए, घंटी रहनी चाहिए, मान लीजिए घंटी है, और उसमें से जल लेकर सबसे पहले आप गुरु से अनुरोध करना है, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा प्रजानंद प्रदानंद सेवायां माम नियोजय, कृपया मुझे आपकी सेवा में नियोजित करिए। और फिर उसके बाद गुरु तो आसनस्थ हैं, घंटी बजाते हुए हम यहां से पहला जल लेंगे, एतत् पाद्यम, एतत् पाद्यम मतलब गुरु का पैर धो रहे हैं, चरण कमल, एतत् पाद्यम, फिर गुरु का बीज मंत्र, फिर उसके बाद आचमनीयम कराते हैं, इदम आचमनीयम। उसके बाद कई लोग इधम अंगवस्त्रम भी बोलते हैं, लेकिन डीडी वर्शिप मैनुअल में ऐसा नहीं है, बोलेंगे तो नुकसान नहीं है, किसी का हाथ धोएंगे तो जल, उसके बाद कपड़ा तो देंगे ही, इधम अंगवस्त्रम, गुरु का बीज मंत्र। अभी हो गया, हाथ वापस साफ किया, ये तो गुरु के लिए था इसलिए हाथ साफ किया। अभी भगवान को हम, उनके लिए आसन रहता है, भगवान के लिए उस आसन में फूल भी डालकर रखते हैं और भगवान को हम आमंत्रित करते हैं। वो मंत्र सब आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं, भगवान को बुलाते हैं, बुला के बिठाते हैं, और फिर भगवान को, ये भगवान को भोग नहीं लग रहा है, बस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, बिल्कुल ये भोग ही होगा, प्रसाद नहीं है, क्योंकि मैं सही मूड में नहीं कर रहा हूँ अभी, वह कुछ समझा रहा हूँ टेक्निक, बाद में इसको मत खाइए दोबारा भोग लगाइए। तो भगवान विराजमान हो गए, अब भगवान विराजमान हो गए तो उनको क्या करेंगे, घंटी बजाते हुए ये भगवान वाला पात्र है, इसमें से एतत् पाद्यम, कृष्ण और राधा का बीज मंत्र या गौर नंदा का बीज मंत्र, पैर धोने के बाद अपना हाथ दोबारा धो दिया, इदम आचमनीयम, ठीक है, फिर चाहे तो अंगवस्त्रम बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद अलग अलग मंत्र होते हैं, सुबह का भोग है तो मिष्टान्न पानी आदिकम सर्वम, सुबह का, दोपहर का, शाम का है तो इदम अन्न व्यंजन पानी आदिकम सर्वम, ये सब कंटस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ब्रह्मचारी लोग भी जो पहले ऑल्टर में जाते हैं हाथ में हुक लेके ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा कंटस्ट करने की जरूरत, मैं प्रोसेस समझिए, लॉजिक समझिए, कोई महान व्यक्ति है तो पहले उनका आते हैं, उनको बिठाते हैं, पैर धोते हैं, हाथ धुलवाते हैं, फिर पहुंचते हैं। अब एक करने के बाद उनको बताते हैं ये है फलाना फलाना चीज है, अन्न व्यंजना पानी आदिगम सर्वम, इदम फलादिगम सर्वम, या इदम फल पानी आदिगम सर्वम, थोड़ा जल और थोड़ा फल देना, इदम फल पानी आदिगम सर्वम, फिर बीज मंत्र उनको बोल दिया ये है। उसके बाद नॉर्मल आप जो भोग लगाते हैं, तीन बार गुरु का प्रणाम मंत्र, तीन बार प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, तीन बार महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, और तीन बार कृष्ण का नमो ब्राह्मण देवाय, ये बोलने के बाद वहां से निकलिए, ऑल्टर से बाहर प्रणाम करिए, गायत्री करिए, चाहे तो पूरा गायत्री भी बोल सकते हैं, या कम से कम उस इष्ट देव का गायत्री, गौरनिता है तो महाप्रभु का गायत्री होता है, नरसिंह देव तो उनका गायत्री होता है, राधा कृष्ण तो उनका होता है, सीताराम है तो विष्णु तत्व का गायत्री होता है, वो बोल सकते हैं। आपको सात गायत्री दी जाएगी,
बाद में पता चलेगा आपको. नॉर्मली तो हम एक ही गायत्री जानते हैं लेकिन सात गायत्री है, तो गायत्री बोल सकते हैं. गायत्री साधारणतया सुबह का भोग 10 मिनट लगता है, सुबह सुबह जो भोग लगता है स्वीट्स, बाकी सब 15 मिनट लगता है. लगने के बाद घंटी बजाकर अंदर जाते हैं. अंदर जाते हैं तो कोई प्रसाद पा लिया तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? प्रसाद पा लिया तो क्या करते हैं? मुंह धोते हैं पहले, पहले मुंह धुलाएंगे. तो उसके लिए घंटी बजे पहले अपना हाथ साफ करेंगे. घंटी बजाते हुए इदम हस्तमुख प्रक्षालनम, हाथ और मुंह साफ कर दें. हस्तमुख प्रक्षालनम, फिर कृष्ण का बीज मंत्र, राधा रानी का बीज मंत्र. फिर उसी प्रकार हाथ धोने के बाद एतत् पाद्यम, फिर हाथ धो लीजिए दोबारा. इदम आचमनीयम, फिर हाथ धो लीजिए. कपड़े को शुद्ध करने के बाद इदम अंगवस्त्रम, हो गया. अब उनको बोलेंगे इदम आसनम, वापस उनको भेज रहे हैं. तो वो चले गए. उसके बाद उन्होंने जो पाया है उसको महाप्रसाद के रूप में बाकी गुरु को देते हैं. इदम महाप्रसादम नैवेद्यम, इदम नैवेद्यम या इदम महाप्रसादम बोलकर गुरु का बीज मंत्र, फिर संस्थापक आचार्य का बीज मंत्र और सर्व सांगोपांग पार्षदेभ्यो नमः, बाकी सबको भी कवर कर लिया. एक एक करके बुलाने की जरूरत नहीं. ये मंत्र सब अभी कंठस्थ मत करिए, इस प्रकार बोलकर उनको भी करेंगे. वो कुछ मुश्किल से 30 सेकंड वो भी लेंगे. उसके बाद वापस अब अपना हाथ साफ करके गुरु के लिए गुरु वाला आचमन पात्र लेकर इदम अस्तम प्रक्षालनम, एतत् पाद्यम, इदम आचमनीयम, इदम अंगवस्त्रम, इदम आसनम. तो कृष्ण भी चले गए, गुरु भी चले गए. फिर वहां से कुशन हटाएंगे, स्थान साफ करेंगे, प्रसाद हो गया उसको कवर करके लिफ्ट में डालेंगे, जहां भी रखेंगे. ऑल्टर है तो, घर है तो उसके हिसाब से. ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपल लॉजिक समझिए, सिंपल है. कोई आएगा आपके घर पे प्रसाद पाने के लिए, साधारणतः आप क्या करोगे? बैठने के लिए स्थान दोगे, पैर धुलवाओगे, फिर हाथ साफ करना, हाथ धोएंगे, खास करके कोविड के बाद हाथ साफ करेंगे. फिर उसके बाद कपड़ा देंगे उनको, रेडी करेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे. प्रसाद पाने के बाद हाथ मुंह धोएंगे. फिर ब्राह्मण बन रहे हो आप, सबको पैर धोना चाहिए प्रसाद के बाद. अभी नहीं कर रहे हो तो जरूर करें, खास करके विंटर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन श्रद्धा के ऊपर है जैसे बोलते हैं ना. मैं अक्सर प्रयत्न करता हूं कि विंटर में भी मैं सॉक्स निकाल के ही प्रसाद पाता हूं, उसके बाद पैर धोता हूं. पैर धोना अच्छा है, अच्छा हैबिट है, लेकिन अगर दिक्कत है किसी का वाटर एलर्जी है या ठंड ज्यादा पकड़ती है तो फिर सस्ते में काट दीजिए, चल जाएगा. तो ये आवश्यक है. थैंक यू. तो गलत फहमी ना हो कि प्रसाद नहीं हुआ अभी, लेकिन भाव यही है कि हम भोग लगा रहे हैं. तो हमने भोग लगाया और उसके बाद प्रसाद लेकर दे दिया. और ध्यान रहे आप लोग ब्राह्मण होने के नाते प्लीज विषय अन्न खाई लो, मलिन हो बे मन, तो विषय के हाथ से कभी मत खाइए. अभी जब ब्राह्मण बन रहे हैं आपको बाहर का इधर उधर का माल लेना ही नहीं चाहिए, भले भूखो मरे, भगवान कभी भूखे नहीं मारेंगे. मैं अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस बताता हूं. मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आई हैड टू गो टू अ विलेज कॉल्ड ईस्टबोर्न 2008 में, लंदन के पास है, पास नहीं है, थोड़ा दूर है. वो लगभग एक वहां का गांव जैसा है, वहां पे वो भी मछुआरों का गांव है, वो भी बूढ़े मछुआरों का गांव है और दोपहर को भी लोग बियर पीते हैं, ऐसा स्थान है. तो मैं तभी भी दीक्षित भक्ति था, 2002 में मेरी दीक्षा हुई थी, 2008 में मैं गया था यहाँ पर. तो मुश्किल से एक होटल मिला, मालूम पड़ा बांग्लादेशी होटल था. वहां भी कुछ वेजिटेरियन फूड तो दूर कुछ नहीं था. तो फिर 4 दिन मैंने सिर्फ एप्पल और दही में चलाया और 5वें दिन लंदन पहुंचा. तो पहले राधा लंडनेश्वर मंदिर गया, नीचे गोविंदास रेस्टोरेंट है, ईट एज मच एज यू वांट फॉर 6 पाउंड 50 शिलिंग्स. पहले जाकर पूरा प्लेट रख के जैसे महाप्रसाद है गोविंद बोला, मेरे आंखों से पानी टपका. तो कहने का उद्देश्य कि कृष्ण
बचाते हैं। और अभी तो ऐसा कोई स्थान नहीं पृथ्वी में, अंटार्कटिका गिनकर, जहां पे भक्त नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं पहले से प्लान करिए, प्लान करके जाइए, भक्त लोग मिलेंगे, प्रसाद मिलेगा, केटरिंग सर्विस भी है, सब जगह प्रसाद मिलेगा। लेकिन प्रसाद बहुत जरूरी है, आप प्लीज प्लान करके जाइए, नहीं तो घर से पैक करके जाइए। प्लीज कभी भी बाहर का भोजन मत करिए आगे से। इसमें प्रोसेस फूड बिल्कुल मना है, ब्राह्मण लोगों के लिए तो बिल्कुल मना है। प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करना जितना हो सके। हाँ, बीकानेर हल्दीराम जल्दीराम कुछ नहीं तो मैक्सिमम बड़े। यस, मुख्य डीटी का होना चाहिए, मेन पॉइंट वो है, जगन्नाथ जी का कम से कम होना चाहिए, जो कि उनका बीज मंत्र जो है वो बोलना चाहिए। एक ही नहीं, कभी कभी तीन डीटीज होंगे एक ही प्लेट होता है। जैसे मैं एक बार हैदराबाद गया था, तीन बड़े बड़े डीटीज हैं और एक ही प्लेट है, पुजारी को भाग भाग के भोग लगाना पड़ता है। क्योंकि मेरी आदत है, जहां भी जाता हूं मैं अल्टर में जाके भगवान को जगाता हूं और भोग लगाता हूं, तो पागल हो जाता है पुजारी। तो प्रमुख डीटी का बीज मंत्र बोलना जरूरी है, कम से कम कृष्ण का बोलना जरूरी है उसमें। बाकी इनका तो युगल मंत्र होता है, राधा कृष्ण का तो, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा का, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का बोलते हैं, सुदर्शन का बाद में आएगा। सुदर्शन विष्णु तत्व नहीं है या शक्ति तत्व नहीं है, हालांकि वैकुंठवासी हैं तो बाद में सर्वसांगोपांग पार्षदों में आता है सुदर्शन। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का देते हैं, लेकिन कम से कम जगन्नाथ जी को देना चाहिए। यह ओके, अभी आज हमने गायत्री मंत्र के इम्पोर्टेंस और ब्राह्मण दीक्षा लेने का इम्पोर्टेंस थोड़ा समझा, हमने आचमन की विधि सीखी थोड़ी बहुत, और सामान्य अर्घ्य कैसे बनाना चाहिए, जो जिस जल से हम अपने आप को शुद्ध करेंगे या भगवान के उपचारों को शुद्ध करेंगे, वो भी हमने थोड़ा देखा। भोग कैसे भगवान को लगाते हैं सही विधि से, वो भी थोड़ा बहुत समझा। और इस सबका आपका नोट्स, ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा, सबको शेयर करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमने कुछ संकल्प मंत्र भी, उसका सीक्वेंस बताया, कैसे बता सकते हैं बर्थडे पूजा और वाहन पूजा इत्यादि के लिए, और शटारी मंत्र भी हमने बताए। और मुख्यतः हमें ये समझना है, जो अंतिम पॉइंट्स जो हमने पांच बताए थे, प्लीज याद रहे, समयबद्धता बहुत ही आवश्यक है, स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है, और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दूसरों को स्पर्श करने भी नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और विशेषतया हमें ऑल्टर में या डीडी किचन में जो भी सेवा करेंगे, इस भाव से करना चाहिए कि गुरु के माध्यम से हम सेवा अर्पित कर रहे हैं, हमारी कोई अपनी निजी योग्यता नहीं है, इसे परम भगवान को प्रत्यक्ष रूपेण हम सेवा कर पाए। और ऑल्टर में या डीडी किचन में प्रवेश करने के पहले भूत आचमन पूरा करिए। डीटी किचन के लिए माता जी स्टैंडर्ड पूरा रखिए, 24 आचमन करा के भेजिए अभी सबको, फिर काय को ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं, भूल जाएंगे, यूज इट और लूज इट, अगर यूज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। तो आचमन रोज करना है, आचमन करें, बाहर प्रणाम करके जाएं, 24 आचमन करके जाएं, भूत शुद्धि करके जाएं, ना हम विप्रो, मैं दास दासान दास हूं, इस भाव से अंदर प्रवेश करना चाहिए, चाहे नए से नए भक्त हो, चाहे सीनियर मोस्ट भक्त हो, सब भगवान के सामने दास दासान दास है। ये भाव के बिना अंदर आप सेवा नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हो, बहुत सुंदर प्रदर्शन होगा, बहुत बढ़िया भोग तैयार होगा, लेकिन भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं, विश्वास नहीं है। बहुत अच्छी आरती आपने करी होगी लोगों के सामने, कई भक्त, मुझे पहले याद है एक पुजारी इतना बढ़िया करता था कि वो फिक्स था ना दीप में, अच्छे से लगा रहता था बाती, बिल्कुल उल्टा होता था दीप, उल्टा करके हमारे मंदिर में था, आपको याद होगा पुजारी, फिर फरीदाबाद चले पूरा उल्टा कर, तो कैसे उल्टा कैसे रहते दीप, इतना बढ़िया स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल अच्छा है टशन, लेकिन साथ साथ में सब्सटेंस भी चाहिए, उसके लिए रेगुलर चैंटिंग, हियरिंग और भक्तों का संग, और नियमित रूप से ऑल्टर जाना है, जाते रहना है, तभी आदत लगेगी।
और ब्राह्मण के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता का ध्यान रखें अपना और ऑल्टर का, और अपनी स्वच्छता को बरकरार रखें। आंतरिक और बाहरी अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्थम गतोपिबा यस मरे पुंडरीकाक्षम सा बाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर अंदर दोनों शुद्ध होना चाहिए। तो नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जब ब्राह्मण मतलब आपका चैंटिंग ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए, ब्राह्मण मतलब आपको दिन में एक घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माताएं हमें तो बहुत सेवाएं रहती हम लोग पढ़ नहीं सकते। प्रोपा ने बुक ये नहीं बताया सिर्फ प्रभु के लिए लिखा है। तो प्लीज ये वहम से निकलिए, आप ब्राह्मण बन रहे मतलब आपको शास्त्र पढ़ना है और किसी न किसी प्रकार से प्रचार करना है। और पक्का गायत्री टाइम पे कोशिश करिए करने की, मैक्सिमम आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, कम से कम डीटी सोने के पहले कर लीजिए। बहुत ही रेयर होता है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं संकीर्तन के लिए गायत्री लेट कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि जबरदस्ती रोज लेट करें। तो समयबद्धता का ध्यान रखें। और अब आपकी बारी है प्रश्न पूछने की, भूल चूक लेन देन माफ। हरे कृष्णा। माइक है सम ट्रैवलिंग माइक, यस वैष्णव मुरारी टू रेस्क्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। किस चीज का समाप्त करने के लिए देखा जाता है कि जो पुजारी है वो ऑल्टर में भगवान को प्रणाम नहीं करता है। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। वो क्यों ऐसा क्यों बाहर आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि पूजा प्रिया है ना, इसलिए अच्छा लगता है पूजा करना। तो विशेषतः बताया जाता है जो ऑल्टर के अंदर ना प्रभु, जब जब गर्भगृह का जो आयोजन होता है तो देवी देवताओं को विशेष स्थानों में, दिशा देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो प्रणाम करेंगे उनके ऊपर तो पूरा शरीर गिरेगा, मतलब अशुद्ध है, तो इसलिए उनको मना किया जाता है, इसलिए बाहर करने के लिए बोला जाता है। यद्यपि हम पैर रखते हैं लेकिन हम पहले शुद्ध करते हुए जाते हैं और माफी भी मांगते हैं, लेकिन ऊपर पूरा लेटना जो है मना किया गया पंचरात्र के विधि के हिसाब से। दूसरा आगे कोना पीछे कोना पता नहीं चलता प्रणाम करेंगे तो, जैसे मंदिर में प्रणाम करने के लिए इतनी विधियां हैं, टेंपल हॉल में प्रणाम करने के लिए इतनी विधियां हैं, यहां से करोगे तो प्रभुपाद की तरफ जाएगा, गुरुड़ जी की तरफ जाएगा, वहां से करें तो ठाकुर की तरफ जाएगा, तो फिर ऑल्टर के अंदर तो और रिस्क है, इस वजह से मना किया गया। यस दाशरथ रूप प्रभु, जो उठा के आपको आरती करने नहीं देंगे, 6 महीना 6 से ऑल्टर साफ करो, सीखो, बर्तन साफ करो, तब जाके सेवाएं मिलेंगे। कि मैंने पहले 6 महीने गौरनेता ऑल्टर साफ किया था, उसके बाद गौरनेता ने सेवा दी। बिल्कुल मैच करना है, क्योंकि आप आपको उठा के पहले राधा पाशा दी ऑल्टर में सेवा नहीं देंगे। शुरू शुरू में आप गौरनेता सीताराम में आप आरती करोगे, आरती की सेवा है तो आपको बस फॉलो करना है राधा पाशा दी ऑल्टर का, इसलिए आपको दिखता है ना वहां पे स्क्रीन पे दिखता है। मैं तो क्लॉक भी नहीं दिखता कभी कभी, मैं बस वहां देखता हूँ। दिक्कत होती है हर मंगलवार को, दिक्कत होती है कि मैं राधा प्रसाद को जगाता हूँ आरती करता हूँ, तब दिक्कत होती है थोड़ा, लेकिन टाइम फिक्स्ड है ना, 2.5 मिनट धूप, 7 मिनट दीप, 2.5 मिनट जल, 2.5 मिनट वस्त्र, 2.5 मिनट फूल, यथोचित चामर और व्यजन, व्यजन मतलब मोरपंख, तो फिक्स्ड है तो हो जाता है उसमें। और 55 और 56 के बीच समाप्त करते हैं, शंख बजाते हैं हम नॉर्मली, होता ही है। यस थक गए सब। थैंक यू फॉर प्रैक्टिकल टिप्स फॉर दिस कन्वर्सेशन। पूरी भावनिशा के बाद जब हम ऑल्टर में आते हैं तो मैं बोला था कि हम सिलोवेट पर टाइम के नहीं आते तो ऐसा खास कारण उसके पीछे। तो ये वैदिक विधि है कि सिले हुए कपड़े मतलब उसमें बहुत सारे बाहरी हाथ लगते हैं और सिलाने वाले व्यक्ति की चेतना किस शुद्धि का कौन से स्तर पर है, ये सब इसमें, वैसे कपड़ा पहनना पड़ता है और कोई चारा नहीं है, बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। तो उसके ऊपर आप सिला हुआ भी यूज करेंगे देन इट इज मीनिंग यू आर एक्सपोज टू मोर पीपल डूइंग मोर ऑन योर कपड़ा, इट इज मोर कॉन्शियसनेस अफेक्टिंग यू। तो
तो इसलिए जितना वैसे सिलाए हुए कपड़े वैसे भी पहनते नहीं थे पूर्व काल में, बहुत ही कम पहनते थे। अब गुरुकुल के हमारे बच्चे भी देखिए वो कपड़े बांध के रहते हैं। आई कैन एक्चुअली लिव विदाउट द कुर्ता, इट इज इजी। अगर चादर को अच्छी तरह बांध दे ना, इसको विंटर में भी दो कुर्ते बन सकते हैं, एक के ऊपर बांध के उसके ऊपर ओढ़ भी सकते हैं, हो जाता है। बट जनरल प्रिंसिपल इज देयर, अधिक से अधिक बुनकर तो लगा हुआ है, उसके ऊपर दर्जी भी लग जाएगा, वो दिक्कत है। दैट इज व्हाई। एंड प्राइमरली वैदिक टाइम्स में देयर वाज नो स्टिच्ड कपड़े, दैट इज अदर रीजन। एंड माताजी वुड नॉट एनीवे गो टू द ऑल्टर एट दैट टाइम। अभी तो इस्कॉन की वजह से माताजी लोग जाते भी हैं बेस्ट में। Yes, जो आश्रम पात्र हमने जो बनाए हैं उसमें लास्ट में जो जल बचता है मैं तो तुलसी में डाल, तुलसी महाराज की उसमें उसमें डाल देता हूं। चलेगा चलेगा मैं। हम आचमन करते हैं तो बेस्ट मॉडल नहीं है, कोशिश करें कि ग्लास में डाल के पी लीजिए, बेस्ट वो है। क्योंकि अगर तुलसी डाला हुआ है तो तुलसी में डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो यूज किया है, मैं एक बार किया था, जैसे मेरे गाय एक ब्राह्मण दीक्षा हो गई थी तो मेरे को ज्यादा उत्साह था, गायत्री के पहले आचमन करके करता था। तो एक बार तुलसी जी के पास जो रहता है ना उससे मैंने आचमन करना शुरू किया, तो मोहन रूप ने मुझे मना किया, दिस इज मेन फॉर तुलसी मनाली, डोंट डू इट। तो हम आचमन करने के बाद तुलसी में ना डालें, अवॉइड करें तो अच्छा है। भगवान का जो बचा हुआ वो डाल सकते हैं, अपना वाला बेस्ट इज टू ड्रिंक। आप कहां से जल लिया उसके ऊपर, मैंने तो दिव्य जल लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से लिया लेकिन कौन सा ब्रांड। ओके यस, यू कैन टेक एनी अदर क्वेश्चन। माताजी पिताजी कौन, आप पूछेंगे बच्चा पूछेगा। हरे कृष्णा। पंद्रह मिनट का टाइम देते हैं माताजी, मेनली फॉर ब्रेकफास्ट का और लंच का और डिनर का, जो तीन मुख्य हैं। अर्ली मॉर्निंग भोग जो लगता है और सवा चार को जो लगता है और शयन भोग जो लगता है वो मुश्किल से 5-10 मिनट लगता है, बाकी ये 15 मिनट होता है। और उसके बाद जब हम गुरु परंपरा को ऑफर करते हैं तो हम उनको भी टाइम देते हैं, मुश्किल से 30-40 सेकंड ही होता है उसमें। साधारण तो उतना ही समय मिलता है हमें, ऑल्टर में हमें उतना 1 मिनट देंगे तो अच्छा है। ऑल्टर से बाहर आएंगे दोबारा से? हाँ नहीं नहीं वो तो क्योंकि वहां से कुशन वगैरह हटाना पड़ता है, भगवान की बांसुरी लगानी पड़ती है, धनुष लगाना पड़ता है, तो उतने में वो लोग पा चुके होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि राधा पादशादी का जैसे भोग लगता है, जैसे प्रसाद पहले तो उनसे लेकर फिर गुरु परंपरा को अर्पित करते हैं, जब वो पा रहे हैं तब तक हम लोग कुशन उठाते हैं, उसमें से फूल भगवान के चरणों में डालकर कुशन पीछे रखते हैं, राधा पादशादी का बांसुरी लगाते हैं, फिर वापस आकर इनका मुंह शुद्धि करके वापस उनको भेज देते हैं और प्रसाद निकालते हैं, ऐसा होता है। बेस्ट है, लेकिन आप ऑल्टर जाएंगे तो आपको हस्तमुख ये जो मुंह धोने के लिए शंख मिलता है, पैर धोने के लिए पाद्यम का बड़ा सा एक बोट जैसा बर्तन मिलता है, आप देखेंगे आपको दिखेगा, पुजारी रखते हैं बोट जैसा, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, एक पाद्यम एक मुख, फिर बाद में सिर्फ आचमनियम के लिए यूज होता है, उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होता, समझ गए ना। भगवान के लिए पैर धोने के लिए एक अलग होता है, मुंह धोने के लिए एक अलग होता है, और बाकी आचमन नियम के लिए अलग होता है, फिर उसके अलावा गुरु का होता है और हमारा होता है। ये बेस्ट स्टैंडर्ड है, लेकिन कई मंदिरों में देखेंगे तो पर दो ही आचमन पात्र होता है, सब कुछ चल जाता है उसमें। जैसे आपने बताया कि हमें 24 टाइम्स आचमन करना है। 24 टाइम्स नहीं, 24 आचमन करना है। 24 टाइम्स करोगे तो फिर पूजा का टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं आचमन करके कैसे शुद्ध करोगे, शुद्ध करके स्नान करोगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया ना कैसे सामान्य अर्घ तैयार करना है, सामान्य अर्घ तैयार करोगे उसके बाद आचमन करोगे। सामान्य अर्घ कैसे तैयार करना मैंने बोला था ना, मुद्रा वगैरह करके उसको रेडी करोगे
ओम मंत्र बोलकर उसको शुद्ध करोगे, फिर उससे आचमन करोगे, आचमन करने के बाद तिलक धारण करोगे। जो हम अपना आचमन सबसे पहले तैयार करेंगे वो बिना आचमन के सिर्फ स्नान करके ही करेंगे। स्नान करके मैंने आपको बताया था कि हाथ धोलेंगे, फिर बीच में से हम इसको डालेंगे, ओम अस्त्राय फट बोलेंगे, उसके बाद मुद्राएं वगैरह दिखाकर शुद्ध करेंगे। हाथ पहले आपने साफ किया है, स्नान के बाद भी स्वच्छ जल से अपने हाथ को साफ किया और उसको फिर शुद्ध किया मुद्रा से, उसके बाद उस जल से आपने आचमन किया। ठीक है, अभी एक्चुअली सवाल मिल गया कि बच्चे की वजह से बंद किया। सब कुछ, सब कुछ विसर्जन नहीं किए, जनरली तो उसको इस बहुत दिक्कत होती है ऐसी चीजों का, जनरली तो उसको विसर्जन को विसर्जन नहीं करना पड़ता, कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डलता है, माचिस गिरती है, वो गंदे फूल गिरते हैं, सब उसमें डालते हैं उसको, वी हैव टू जस्ट डिस्पोज इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कि वैसे ही विसर्जन पानी है ना, वो आप खुद का आचमन दोबारा पीते नहीं हो ना, नीचे गिर जाता है, वैसे ही जो भी आचमन है उसको डिस्पोज करें। किसी दूसरे को चांस दीजिए, आप दोनों, आपके दो सवाल कुछ और, हाँ दीजिए, मान लीजिए पीछे दीजिए, नहीं नहीं बाद में बाहर करना, देव की जीवन जो कि एक कल्प में एक बार पूजा करता है ब्राह्मण दीक्षा के बाद। तो यू देयर इन क्लास, व्हेन डिड यू कम? आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, थैंक यू, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रभु जी का। प्रश्न है कि कभी कभी हम उपवास कर रहे हैं और भगवान को भोग लगाना पड़ता है, या भगवान के अर्च विक्र जब वस्त्र रहित रहते हैं उनका श्रृंगार करना पड़ता है, तो किस क्षेत्र में होनी चाहिए? तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा के पहले आपकी साधना पर जांच परख होती है, भक्ति शास्त्र भी कराया जाता है और आपका मॉर्निंग प्रोग्राम चेक किया जाता है। कम से कम ब्राह्मण दीक्षा के 6 महीने पहले तो लोगों के मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत सुधर जाती है। तो अटेंटिव चैंटिंग साधना से पहले एक स्तर पर आने के बाद ही ब्राह्मण दीक्षा दी जानी चाहिए। फिलोसफी स्ट्रांग है, साधना स्ट्रांग है, तो कम से कम 5-6 साल हरिनाम के बाद ही व्यक्ति को इसलिए अप्लाई करना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए ब्राह्मण नहीं बनना, और बनाते भी नहीं है, इसकॉन में स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। तो सबसे पहली बात यह है, यू शुड टेक सफिशिएंट टाइम फिलोसफी और साधना की दृष्टि से अपने आप को उचित समय देना चाहिए, उसके बाद ही ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, जब ये भाव आ जाता है गुरुदेव श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा, गुरु के माध्यम से ही आप देते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, सबका ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास मेरे गुरुदेव खड़े हैं और मैं जो कर रहा हूं वो देख रहे हैं। ये कम से कम तात्विक दृष्टि से अपने मन को समझा दीजिए, मेरे गुरु महाराज सामने खड़े हैं, गुरु महाराज के सामने जो नहीं कर सकते मत करना, जो भी चीज करो वही करो जो गुरु के सामने कर सकते हो ऑल्टर में, क्योंकि है गुरुदेव वहां, हमारे औकात क्या डायरेक्टली सेवा करने की? तो गुरुदेव के सामने आप करोगे क्या ऐसा? ये थोड़ा हेल्थी फियर होना चाहिए, उसके लिए गुरु के साथ अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप होना भी जरूरी है, किसी न किसी प्रकार से सेवा के माध्यम से। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज रोज कॉल करेंगे आपको, आपका पर्सनल सर्विस होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से गुरु महाराज अथवा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से आप आंदोलन की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो बाकी ये सब माइनर इश्यूज हैं, प्लस गुड साधना एंड शास्त्र, दीज थ्री थिंग्स। और दूसरा, ऐसे इंपॉर्टेंट सेवाएं तुरंत घुसनी नहीं चाहिए, इसलिए पहले 5-6 महीने जो है अच्छे से ऑल्टर की सफाई करनी चाहिए, तो अंदर भी सफाई होती है अच्छे से। 23 तारीख को गुंडीचा मार्जन आ रहा है, सबको आना चाहिए, आएंगे हरी बोल मतलब आएंगे नहीं आएंगे? 24th ना, सफाई तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जीत गए आप लोग।
मेरा डेट बहुत खराब, कौन सा डेट 19th को है? 23 रथ यात्रा, 23 इज रथ यात्रा एंड फरीदाबाद, 24th इज रथ यात्रा एंड गुरुग्राम, 20th इज रथ यात्रा एंड आगरा, 21st इज गाजियाबाद, समथिंग लगभग 6-7 रथ यात्रा आ रही है। और स्नान क्या बोलते हैं मार्जन में 19th इज इट। मंदिर में रहेंगे तो पता चल ही जाएगा, वैसे ही सुबह प्रसाद नहीं खिलाएंगे मतलब क्लियर है उस दिन मार्जन में। यस थे है नहीं आप अपने पड़ोसी की वजह से मत सोचिए ऐसा। आई एम सॉरी टू बी लिबर्टी ऑफ टेलिंग इट, यूर नेबर। राक्षस थे जो पूर्व काल में, जो राक्षस थे वही कलयुग में ब्राह्मण है। आपके गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुमा ने एक बार प्रवचन में सबसे पूछा था आप में से कितने लोग ब्राह्मण हैं, सबने हाथ उठाया कई लोग, तब बताया पिछले जन्म में जो राक्षस थे वही ब्राह्मण बनते हैं। यस विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन देन वी लव सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। यस नंदगोपाल प्रभु, नॉट अ क्वेश्चन देन। नम ओम बोलते, नम ओम बोलो ना, नम ओम विष्णु पादाय, पदाय नहीं पादाय है ध्यान रहे, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन, स्वामी नहीं है स्वामिन, इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मेन मिस्टेक्स होता है स्वामी में होता है, सरस्वती देवी होता है, सारस्वते देवे मतलब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं उनके शिष्य हैं, सारस्वते देवे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं बैठा सबसे ज्यादा मोर खा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए बड़ा कुछ करने ध्यान तो आपने अपनी तरफ केंद्रित कर ही लिया वैसे। तो प्रभु जी जैसे हमने भगवान को ऑफर प्रसाद ऑफर किया भगवान को, तो अल्टर हमने बंद करा, तो दोबारा अल्टर जब हम जाएंगे भगवान को उठाने के लिए, तो क्या हमें फिर 24 आचरण फिर करना पड़ेगा? नहीं 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 जरूरत नहीं, नहीं गलत सवाल नहीं, अच्छा सवाल है, क्योंकि आप उसके बाद में कुछ करने जा रहे हैं तो अलग बात है। आप तो ऑल्टर के बाहर बैठ के गायत्री करोगे या भोग आरती गाओगे, ये विधि है, जब भोग लगता है अंदर ये चीज करनी है, बाहर जाके कुछ और करोगे तो आचमन करना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हो उसके ऊपर है माता जी, वी हैव टू क्लोज विद दिस, बट अदरवाइज मुझे दोबारा बुलाएंगे नहीं क्लास के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, आपने जो ये बताया पॉइंट की भोगा उठी होगी तो बाहर गायत्री करनी है, और गायत्री प्री संध्या में, अगर उस समय गायत्री टाइम नहीं है तो मैंने जैसे बताया आप सारे मंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम उस इष्ट का मंत्र बोलना जरूरी है। जैसे हम लोग 4:40 को भोग लगाते हैं नरसिंह देव का, जैसे कल सुबह मैं करूंगा, तो उस समय नरसिंह गायत्री बोलते हैं, इतना काफी है, पूरा गायत्री बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, वो तो वैसे ही गायत्री का टाइम है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप 9 बजे या 9:15 बजे या 9:45 को भोग लगता है नरसिंहदेव को, 9:45 को भोग लगता है, उस समय तो त्रिसंध्या नहीं है, 9:45 को आप सिर्फ नरसिंह गायत्री बोल सकते हो, या उस समय राधा कृष्ण 8:30 के समय जो है राधा कृष्ण का मंत्र बोल सकते हो, एक गायत्री बोलने से चल जाएगा। और अनिवार्य नहीं कि करना, मैंने बताया ना भोग आरती भी गा सकते हैं या हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, 1-2 माला कर लेते हैं 15 मिनट में,
वो भी हो जाता है मेन आरती में. सो दैट इज मेन थिंग इज टू कीप योर कॉन्शियसनेस प्योर उस टाइम पे. दैट्स द अदर पॉइंट देव की जीवन. देन योर आपको ऑल्टर जाने के पहले कुछ मालाएं कर देनी चाहिए. तो योर माइंड इज कॉन्शियसनेस इज वेल प्रिपेयर्ड. आनंद तीर्थ प्रभु जो कि बीबीटी इंडिया के मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि वो बैंगलोर में राधा कृष्ण चंद्र के पुजारी थे. तो रोज सुबह वो 2 बजे उठते थे, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक माला कंप्लीट कर लेते थे लगभग, और फिर ड्रेसिंग के लिए जाते थे, जगाने के लिए जाते थे. तो उस कॉन्शियसनेस में जाओगे तो फिर हाउ विल यू बी स्पॉइल. दैट्स द पॉइंट. होम डाइटिस के लिए इतना स्टैंडर्ड रखने की जरूरत नहीं है. आपको ये स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, जैसे 64 माला करनी है बट एटलीस्ट 16 राउंड्स. ये 3 लाख नाम लेना है बट एटलीस्ट 16 राउंड्स. दिस इज अ स्टैंडर्ड. कुछ स्टैंडर्ड थोड़ा एडजस्ट करके आपको सारे मंदिर में भगवान के 7 भोग और 7 आरती लगता है किसी न किसी प्रकार से. घर पे वो प्रैक्टिकल नहीं है. एटलीस्ट 3 भोगास एंड 3 आरतीस एंड व्हेनेवर यू आर ईटिंग एनीथिंग यू ऑफर इट टू द लॉर्ड मिनिमम. एंड चेंज द ड्रेस वंस अ डे. 2 बार ड्रेस चेंज नहीं हो सकता. हफ्ते में एक दिन चेंज करना मतलब सनातन धर्म हो गया. सनातन धर्म टेम्पल. तो कुछ अगर घर पे डीटीज रख रहे हैं तो तभी रखें. जैसे एक मेरा एक फेवरेट कोटेशन है कि His Holiness Mahanadi Maharaj used to say this, Laddu Gopal is not a teddy bear. कि आप लोगों को दिखाने के लिए आप मंदिर में देखते हैं ना लोग लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं. बहुत बड़ा फैशन हो गया. भगवान की परिक्रमा करते हैं भगवान को लेकर. पुटपुटान होते हैं. एक उस दिन शटारी मंत्र रख रहा था मैं नरसिंह ऑल्टर में. शटारी रख रहा था. एक भक्त आया हाथ में लड्डू गोपाल. भगवान को भी रख दीजिए क्योंकि शटारी. So, we should be very careful on that. Standards, minimum standards, you should not go below that. Ek sankalp le liya, uske niche jana nahi chahiye. Okay, we'll conclude here. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Deity Worship Ministry ki jai. Shri Radha Parsadi Gaurnita Sitaram Lakshman Hanuman Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj ki jai. Nidai Nidai Gaur Sitanath Premanande. Special thanks to the control room, Deepak Prabhu and Madhav Prabhu. And whoever else helped in all the coordination, Sitaram, Sitaram. Aapki cha. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much for attending for 3 days this session. अभी सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे.